हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायोएनर्जी जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना रिवीजन का कार्य बेहतरीन तरीके से किए होंगे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट के बताया है कि नॉन कॉल डेटा का रिविजन कर रहे हैं, कॉल डेटा का रिविजन कर रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी का रिविजन कर रहे हैं। अच्छी बात है, इसके साथ साथ और थोड़ा सा रिविजन का दायरा बढ़ाइए और संडे संडे ये जो संपूर्ण समाधान सीरीज आपके पास पहुंच रही है, इस संपूर्ण समाधान सीरीज के माध्यम से जो जूलॉजी के सेक्शन को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उसका आप पूरी तरीके से बेनिफिट लीजिए। एक हफ्ते का टाइम होता है आपके पास, आप चाहें तो एक हफ्ते में अगर 4 से 5 घंटे जूलॉजी का रिविजन करें तो एक हफ्ते सफिशियंट होता है, आप एक बार जूलॉजी का अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। हर क्लास का एक मकसद होता है दोस्तों। संपूर्ण समाधान सीरीज कोई ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला नहीं है कि डिक्टो यूट्यूब पर आया और करा दिया। ये हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने बेहतरीन तरीके से सिलेबस को पढ़ लिया है, उनकी पढ़ाई कहीं से धीमी ना पड़े, उनकी पढ़ाई में कहीं से रुकावट ना आए, इसको सोच करके ये संपूर्ण समाधान की क्लास आप तक पहुंचाई जा रही है। इस संपूर्ण समाधान सीरीज के माध्यम से जैसे कि हमने आपको सबको पहले से इन्फॉर्म किया है कि इसमें सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डिफरेंट स्टेट में पूछे गए हैं, जो डिफरेंट स्टेट के टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, सभी जगहों का कलेक्शन करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये कार्य सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि आप सभी लोगों तक ये सिस्टम से क्वेश्चन पहुंचते रहें और आप में से जो लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनका कह सकते हैं हैंड टू माउथ का मामला चल रहा है, जो चाहते हैं कि बस ये आखिरी एग्जाम हो, उनके लिए हम ये क्लास यूट्यूब पर लेकर आते हैं कि उनके अंदर एक डेडिकेशन बना रहे कि आने वाले संडे को आमिर सर फिर जूलॉजी का क्वेश्चन कराएंगे, आने वाले संडे को फिर से क्वेश्चन कराएंगे। तो इस रेफरेंस में, इस कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट में, आप अपने रिवीजन का कार्य तेजी से बढ़ा सकते हैं। जूलॉजी का सेक्शन अलग करके पूरी ईमानदारी के साथ 4 घंटे 5 घंटे रिवीजन करें, उसके बाद जो है इन प्रश्नों को देखें। ये प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। मैं बार बार कहता हूं ये संडे है, संडे को छुट्टी की जा सकती है, लेकिन पिछले न जाने कितने संडे से, मुझे तो नहीं याद है न तो आपको याद होगा, कि कभी भी संडे की क्लास इंटरप्ट होती है या मैं कभी भी संडे की क्लास रोकता हूं। और पिछले 11 महीने से मैं सैटरडे की क्लास नहीं रोका हूं और पिछले 4 हफ्ते से हम सैटरडे को मॉर्निंग में भी क्लास लेने लगे हैं। सिर्फ इसलिए लेने लगे हैं कि आप में से जो लोग 1.5 साल से 2 साल से बैच से जुड़े थे, उन सभी लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे, उनकी तैयारी में उनको कहीं से ये ना लगे कि अब हम कैसे तैयारी करें, अब मेरा मन नहीं करता है। और जिसका मन नहीं करता है वो मन को जबरदस्ती करे, मन के साथ जबरदस्ती करे कि थोड़ी सी तो बात है, मुझे तो नहीं लगता कितने दिनों की बात है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आने वाले 6 महीने में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा कि आपकी जॉब कहाँ लगनी है, आप कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुए हैं, ये सब डिसीजन आपके सामने होगा। बाखूबी आप ये भी जानते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, उससे कोई मैटर ही नहीं है। बस मैटर इस बात का है कि आप धैर्य बना करके जिस तरीके से पंक्चुअलिटी से हम आपकी क्लास ले रहे हैं, उसी तरीके से पंक्चुअलिटी से आप सभी लोग रिविजन का कार्य करें। एक बार आपसे मुखातिब होते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जी, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। उपासना चौहान जी, संजीव गोस्वामी जी, सोनम राजपूत जी, राजेंद्र कुमार जी, शशिकांत जी, अभिषेक जी, वंदना ठाकुर जी, सोनम राजपूत जी, मधु जी, जी कुमकुम दुबे जी, दिव्या जी, सौरभ जी, उपासना जी, शशिकांत जी, उषा गुप्ता जी, शुभम गिरी जी, ऋचा सक्सेना जी, विपिन कुमार जी, संगीता ओझा जी, जी हैप्पी साहब, निधि मौर्य जी, सोनू जयकर जी, अंजू हेमराम जी, विनय मैनी जी, MS क्लासेस साहब जी कैसे हैं, ऋचा सक्सेना जी, शुभम रिंकू जी, सुरभि जी, नेहा शर्मा जी, विपिन कुमार जी, रिंका मौर्य, रिंकू मौर्य जी, सुमित्रा मुर्मू जी,
अंकिता मौर्य जी खोज रहे थे हम, मोहम्मद शमीम साहब, शैलजा परिहार जी, एमडी अरशद साहब जी, आकांक्षा वर्मा जी, चंद्रकला जी, चंद्रकला जी कैसी हैं, प्रभा जी जी, सुरभि मौर्य जी जी, उम्मीद करते हैं नीलम जी, सभी लोग अच्छे होंगे। लाइफ साइंस, सोनी निषाद जी जी, रोली जी, यशोदा जी, वैभव साहब, वैभव यादव जी कैसे हैं, मीनाक्षी सिंह जी, नीलम प्रजापति जी, पिंकी कुशवाहा जी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, साकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग संडे की क्लास में 120 प्रश्नों का एक अच्छा सा सेशन देखने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न जूलॉजी से संबंधित हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये प्रश्न जो हैं जूलॉजी से संबंधित हैं, और आप पर हम पता नहीं क्यों भरोसा करते हैं। ये मेरी अंदर की गट्स फीलिंग कहती है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे आज संडे की क्लास में जूलॉजी के जो हम लोग प्रश्न करेंगे, उसके बाद मंडे से लेकर के संडे शाम तक आप सभी लोग जूलॉजी का रिविजन कर रहे होंगे, और आपकी टेबल पे जूलॉजी के आपके नोट्स होंगे, जूलॉजी की किताबें होंगी, जिससे आप सभी लोग अपना रिविजन कर रहे हैं। खास करके हम उम्मीद करते हैं ओल्ड बैच के लोगों से, माइंड मैप बैच के लोगों से, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लोगों से, और खास करके रिविजन बैच के लोगों से, और हमारे गोल्ड बैच के लोगों से भी हम ये उम्मीद अब लगाने लगे हैं कि वो सभी लोग भी नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, एनिमल फिजियोलॉजी, इन सभी का रिविजन उन लोगों ने भी बेहतरीन तरीके से किया होगा। और ये रिविजन का सिलसिला अगर आप मेंटेन किए रहेंगे तो क्लास के साथ साथ न जाने कितनी बेहतर प्रिपरेशन आपकी बढ़ती रहेगी। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी बायोलॉजी का टारगेट 24 बैच आपके क्लास में जो है अपनी संस्था में रन आउट पर है, और ये लगातार इसमें क्लासेस हो रही हैं। इसमें मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होती है, जिसमें हम सभी लोग एल्गा का टॉपिक हैंडल कर रहे हैं, और इवनिंग में शाम को 6 बजे होती है, जिसमें मैमेलिया का टॉपिक हैंडल कर रहे हैं। मैमेलिया फिनिश होने वाला है, अब इसकी जगह पर हम लोग जेनेटिक्स शुरू करने वाले हैं, और लगभग 10 लेक्चर में एल्गा भी फिनिश हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम सभी लोग यहाँ पर मॉर्निंग में सेल बायो शुरू करने वाले हैं, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें, सेल बायो और जेनेटिक्स की बारी हम लगाने वाले हैं। और आपसे उम्मीद करेंगे कि अब अगला वार आपका सैटरडे को लेकर के सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पर होगा, और इस वार के साथ इन दोनों सेशन पर भी हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से डिस्कशन करेंगे। शाम को 7:30 बजे हमने आपके लिए एक स्पेशल क्लास शुरू ही कर दी है, पिन पॉइंट सीजन 3 की क्लास में आपका एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपको एक्स्ट्रोवर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस एक्स्ट्रोवर्ट की कंडीशन में मुझे जिस लेवल तक आपको लेके जाना होगा, हम बिना किसी हेजिटेशन के वहां तक पहुंचेंगे। अगर आप हमारी पिन पॉइंट सीजन 2 की क्लास, पिन पॉइंट सीजन 3 की क्लास, अगर आप इन दोनों को कभी देखने की कोशिश करिए, तो यहाँ से 60 से 70 क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसलिए पूरी ईमानदारी से जब आपके पास खाली समय हुआ करे, तो कोशिश करके इन क्लासेस का रिवीजन किया करिए, 2x पर करके, हेडफोन लगा करके एक एक दिन में 3-3 क्लास मारना शुरू करिए, 3 दिन में 100 क्लासेस को कंप्लीट कर दीजिए। अगर आप इस डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो आप कुछ अलग इंसान बनेंगे, और जब अलग इंसान बनेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा कुछ डिफरेंट होता है तभी सिलेक्शन होता है। तो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम देते रहिए। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बैच से जुड़ने के लिए, इस नंबर पर 8756703588 पर ज्वाइन बायोलॉजी लिखकर भेजें और अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। आप में से जितने लोगों ने आज एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा किया है, हमने आपको सुटेबल टाइम टेबल बताया, कल मॉर्निंग में 10 बजे, इवनिंग में 6 बजे, 7:30 बजे आपकी क्लासेस होंगी। आप सभी लोग उस क्लास में मिलेंगे और तैयार रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ देखा देखा क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को देख रहे थे तो मुझे लगा ये देखा देखा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्न पेयर्स को कंसीडर करिए और सही आंसर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्न पेयर्स को कंसीडर करें और सही आंसर बताएं। कुछ इंडस्ट्री का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ पॉल्यूटेंट दिया है,
कि किस इंडस्ट्री से कौन सा पॉल्यूटेंट निकलता है, इंडस्ट्री और पॉल्यूटेंट दिया है और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से आंसर करेंगे। जी बताने की कोशिश करिएगा, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी से कौन सा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। पेंट्स एंड पिगमेंट से कौन सा पॉल्यूशन रिलीज होता है, तो आप बताएंगे नाइट्रोबेंजीन्स एंड एनिलीन्स। टेनरीज से कौन सा निकलता है, तो आप बताएंगे क्लोरीन एंड लेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर चलने लगा है कि सर जी इसका डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, इसका डी आंसर करेक्ट है, एक और दो और तीन, ये तीनों मैच्ड हैं। तो अपने झोले में अपना झोला ओपन करिएगा और अपने झोले में आप एक क्वेश्चन की एंट्री मारिएगा वन बाय वन, और हम सभी लोग 20 क्वेश्चन के बाद बात करेंगे आप कहां पर पहुंचे हैं। द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, जैसे एमनियोटा का नाम आता है आप सभी लोगों को याद आता है आर ए एम, आर ए एम, जैसे ही एमनियोटा का नाम आता है आप सभी लोगों को याद आता है आर ए एम। आर बोले तो रेप्टाइल्स, ए बोले तो एम्फीबियंस, एम बोले तो मैमेलिया, तो जहां भी आपका आ रहा है आर ए एम, आर बोले तो रेप्टाइल्स, ए बोले तो एवीज, सॉरी ए बोले तो एवीज और एम बोले तो मैमेलिया इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स। कितनी अच्छी बात होती है, अब आपको सच बताएं तो आपको बिल्कुल अच्छे से कुछ चीजें याद हो गई हैं। जैसे हम आपके सामने लिखते हैं आराम, ए आर ए एम, तो आप सभी लोग आप फट से बताते हैं सर एम्फीबिया रेप्टाइल्स एवीज मैमेलिया। जैसे हम आपसे पूछते हैं, जैसे हम आपके सामने लिखे मिस, तो आप सब लोग फट से बताते हैं सर जी माइलियस इंकस स्टेपीज। जैसे हम आपके सामने लिखें जी, जैसे हम आपके सामने लिखें ले जा डोली में बिठा के, ले जा पिया डोली में बिठा के, तो आपको याद आता है लिप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन और डिप्लोटीन। मतलब आप कुछ इस तरीके से ट्रिक में फॉलो अप हो गए हैं कि अब आप देख करके भी अपने आप से भी ट्रिक बनाने लगे हैं, तो ये काफी अच्छी होती है। इसको कहते हैं आप बेहतरीन प्रिपरेशन में चल रहे हैं, मतलब इसको कहते हैं कि आप फिंगर टिप्स पर जूलॉजी बॉटनी को ला रहे हैं, मतलब आपकी बायोलॉजी फिंगर टिप्स पर आ रही है, और जब आपकी बायोलॉजी फिंगर टिप्स पर होगी तो समझ जाइए कि सिलेक्शन में आपको कोई रोक नहीं सकता। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसी यूट्यूब पर एक साल बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पर देखिएगा आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन केवल एक जगह नहीं होगा, जिनका सिलेक्शन जीआईसी में भी होगा, जिनका सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी में भी होगा, जिनका सिलेक्शन एलटी में भी होगा, जिनका सिलेक्शन केवीएस में भी होगा, जिनका सिलेक्शन एनवीएस में भी होगा, जिनका सिलेक्शन डीएसएसबी में भी होगा। एक साल के अंदर आपके सामने इसी यूट्यूब पर ऐसे ही क्लास में ये चीजें नोटिस करने को आपको मिलेगी कि मेरा सर एक जगह नहीं तीन चार जगह सिलेक्शन हुआ है। अभी बिहार का सिलेक्शन हुआ, बिहार का एग्जाम हुआ, एमपी का एग्जाम हुआ, झारखंड का एग्जाम हुआ, आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में देखा, लोगों ने बताया कि सारे क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं और श्योर टेस्ट सीरीज से आ रहे हैं। तो आपको यहीं से होशियार हो जाना चाहिए कि इस नोट्स को, इस श्योर टेस्ट सीरीज को हमें चट कर जाना है, इस तरह से चट कर जाना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे कोई कंप्यूटर ऑन होता है वैसे मुझे ऑन होना है, और जब आप उस कंप्यूटर की तरह ऑन होंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एग्जाम को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि जब तैयारी हो जाती है तो आपके अंदर भी एक अपना हम है, आपके अंदर जो ये मेहनत कर रहे हैं ना, इसका भी आपके अंदर अपने आप से एक अच्छी वाली फीलिंग है। एक सिलेक्शन के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिनका सिलेक्शन होता है वो एक नहीं चार पांच होता है। तैयारी जब एक बार हो जाती है तो सिलेक्शन कई जगह पर होता है, और हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कई जगह पर हो, आप इसी जगह पर मेंशन करें। जी अच्छा, ये भी याद है हिट करके पोचे छोड़ गई, अच्छा फिर पंडित जी का टीका भी याद होगा जी, फिर गंजा दामाद खाए ये भी याद होगा, अच्छी बात है। जब आपको ये सब बातें याद आती हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ अच्छी अच्छी ग्रेड में चल रहे हैं, और आपका जो ये अच्छी ग्रेड वाली बात है वो काफी इम्पोर्टेंट है जी, वो जो आपकी अच्छी ग्रेड वाली बात है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक
वही। अरे अंकिता मौर्या जी, सारा कुछ याद करके रखिए, आने वाले चीजों में हम आपको ढेर सारा जी, टीजीटी पीजीटी जीआईसी सबका क्वालिफाइड है सर, होना चाहिए, डन है। उपासना जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, डन है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न स्टेटमेंट को कंसीडर करें। सलाइवा एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, सलाइवा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन सलाइवा इज 3.4। स्लेवरी एमाइलेज फ्रीज शुगर फ्रॉम स्टार्च मॉलिक्यूल। सम ड्रग्स एंड आयंस आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। आपसे पूछा गया तो आपको सबसे पहला आंसर सही लग रहा है कि सलाइवा लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.5 से 6.8 होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। स्लेवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, इसलिए ये भी गलत है। सम ड्रग्स एंड आयंस आर एक्सक्रीटेड, ये बिल्कुल सही है। इसमें लाइसोजाइम्स मिलता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, लाइसोजाइम। तो आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, 3 का डी आंसर करेक्ट है। कौन सा? 3 का डी आंसर करेक्ट है। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा। टेल मी फास्ट, सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का 1 और 4 सही है, मतलब आपके झोले में 3x3 का गेम चल रहा है। इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने किस ऑर्गेनिज्म को यूज किया था? आप सभी का आंसर आ रहा होगा, गार्डन पी को यूज किया था। मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए किस प्लांट को यूज किया था? तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा, मेंडल ने गार्डन पी को यूज किया था, और लगभग सभी लोगों का आंसर करेक्ट है। तो 4 का भी सी आंसर करेक्ट है। 5th नंबर क्वेश्चन है, एपिस डॉर्सेटा का नाम सुनते ही आप खुश हो जाते हैं। जैसे ही एपिस डॉर्सेटा का नाम सुनते हैं आप खुश हो जाते हैं, जैसे ही एग्रोटिस का नाम सुनते हैं आपको खुश हो जाना चाहिए कि एग्रोटिस को ब्लैक एग्रोटिस को क्या कहा जाता है? ब्लैक कट वार्म के नाम से जानते हैं, इसे ब्लैक कट वार्म के नाम से जानते हैं। ये लेपिडोप्टेरान को बिलोंग करता है। और एल्यूरोलोबस को याद रखिएगा, एल्यूरोलोबस को शुगर केन व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं, इसे शुगर केन व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसे शुगर केन व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं, इसे शुगर केन व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं, व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं। और ये हेमिप्टेरॉन को बिलोंग करता है, हेमिप्टेरॉन को बिलोंग करता है। इन दोनों को ही पहले हमने पकड़ा दिया, हेमिप्टेरॉन को बिलोंग करता है। तो जो आपका एल्यूरोस है, एल्यूरोबोलस है, वो हेमिप्टेरॉन को बिलोंग करता है। जो एग्रोटिस है वो लेपिडोप्टेरॉन को बिलोंग करता है। जो आपका एपिस डॉर्सेटा है वो हाइमिनोप्टेरॉन को बिलोंग करता है। जो एनाफिलीज है वो डिप्टेरॉन को बिलोंग करता है। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ए इज द राइट आंसर, और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, ए इज द राइट आंसर। जी सभी लोग याद करके रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपिस डॉर्सेटा ये काफी वायलेंट स्पेसीज होती है, ये काफी वायलेंट स्पेसीज होती है एपीज की, हनी बीज में ये लार्जेस्ट बी होती है, और इसकी काफी जो है डेंजरस स्पेसीज होती है, वायलेंट की कंडीशन में पाई जाती है। द सेल ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके सेल ऑर्गेनेली मूवमेंट करते हैं। तो आप बताएंगे ये एक्टिन फिलामेंट से मूवमेंट करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से मूवमेंट करते हैं। इनका मूवमेंट एक्टिन फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से होता है। उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट आंसर चल रहा होगा कि इनका मूवमेंट किससे होता है। जी राज बहादुर जी, गुड इवनिंग। इनका मूवमेंट कैसे होता है? बोथ एक्टिन फिलामेंट और जो है माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा इनमें मूवमेंट होता है। यूकैरियोटिक में मूवमेंट किसके द्वारा होता है? माइक्रोट्यूब्यूल और
यूकैरियोटिक फिलामेंट के द्वारा होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन आईलिड्स एंड कॉर्निया, कह रहे हैं कि आईलिड्स और कॉर्निया के बीच जो फ्रिक्शन होता है, आईलिड्स और कॉर्निया के बीच जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को अवॉइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ, किससे अवॉइड किया जाता है। तो ये जो सिक्रीशन होता है इसको अवॉइडेड कौन करता है, ये आपकी मीबोनियन ग्लैंड होती है जो वैक्स का सिक्रीशन करती है, इसी के कारण ये अवॉइडेड होता है। अर्थात इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये फ्रिक्शन नहीं होता। लैक्राइमल ग्लैंड आप सभी लोग जानते हैं, इसे टीयर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल दिस इज कॉल्ड टीयर्स ग्लैंड। जी कंजक्टाइवा आप जानते हैं कि ये एक डिजीज कॉज करता है मोतियाबिंद का, कटरैक्ट का। द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजनरेटिव कोड बिकॉज, जेनेटिक कोड को डीजनरेटिव कोड कहा जाता है दोस्तों, क्यों कहा जाता है। वन कोडॉन हैज मेनी मीनिंग, मोर देन वन कोडॉन हैज द सेम मीनिंग। आप बताएंगे डीजनरेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक से ज्यादा कोडॉन, मोर देन वन कोडॉन हैज सेम मीनिंग, एक से ज्यादा कोडॉन की सेम मीनिंग होती है, इसलिए इसको डीजनरेटिव कहा जाता है। क्यों डीजनरेटिव कहा जाता है, क्योंकि इट हैज मोर देन, जी मोर देन वन कोडॉन हैज सेम मीनिंग, एक से ज्यादा कोडॉन की सेम मीनिंग होती है, जिसमें आपको सिखाया है, पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर, कॉमन यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या है, तो आप बताएंगे सर कॉमन यूनिट है फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद जीनस है, जीनस के बाद स्पेसीज है, स्पेसीज के बाद वेराइटी है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जीनस दिया है, फैमिली दिया है, ऑर्डर दिया है, स्पेसीज दिया है, वेराइटी दिया है। वेराइटी सबसे लास्ट में आता है। देयर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से शुरू करेंगे तो पहला कौन आएगा, पहला वेराइटी आएगा, फिर स्पेसीज आएगा, फिर जीनस आएगा। पहला कौन आएगा, पहला वेराइटी आएगा। वेराइटी कहाँ है, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। रेडी, उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, डी इज द राइट आंसर। और आप में से जितने लोगों का डी आंसर आ रहा है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है डी, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट है। तो याद रखिएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्थमा इज रेस्पिरेटरी डिजीज, काफी बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है और आपके झोले में 10x10 का मामला चलने जा रहा है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज्ड बाय, अस्थमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है जो होता है इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, या फिर स्पाज्म इन ब्रांकियल मसल्स। तो आप बताएंगे ब्रांकियल मसल्स में ऐठन होने लगती है, स्पाज्म इन ब्रांकियल मसल्स, ब्रांकियल मसल्स में जो स्पाज्म होता है इसी को बोलते हैं अस्थमा। जी फंगल डिजीज होती है, विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, बताने की कोशिश करिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो आप बताएंगे विंग्स ऑफ बैट की ओरिजिन अलग होती है, लोकस्ट के विंग्स की ओरिजिन अलग होती है, पिजन के ओरिजिन अलग होती है, लेकिन तीनों का काम होता है उड़ना। जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, सिमिलर फंक्शन होता है, दे आर कॉल्ड एनालॉगस आर्गन, इन्हें हम लोग एनालॉगस आर्गन कहते हैं। जिनकी ओरिजिन सेम होती है और उनका फंक्शन अलग होता है, उसे हम लोग होमोलॉगस आर्गन कहते हैं। तो जितने लोगों ने आंसर टिक किया होगा एनालॉगस आर्गन, सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सर इसमें ओरिजिन क्या हो रही है, इसमें ओरिजिन जो है डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। जिनमें ओरिजिन डिफरेंट होती है, फंक्शन सेम होता है, उसका सही आंसर यही होता है। द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें नहीं पाया जाता है, इसमें से कौन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रूफ नहीं देता है, कौन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रूफ नहीं देता। पैरामेसियम कॉर्डेटम में होता है, मोनोसिस्टिस में होता है, युगलिना वायरिडिस है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, दिस इज द राइट आंसर, युगलिना वायरिडिस। और आप में से जितने लोगों ने आंसर टिक किया होगा युगलिना वायरिडिस, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द करेक्ट सीक्वेंस,
करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज, करेक्ट सीक्वेंस क्या है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला बनता है, फिर मोरूला बनता है, फिर क्लीवेज होता है। आप कहेंगे सर जी ये गलत है, जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, क्लीवेज होता है फिर जाइगोट बनता है, महागलत, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, गलत। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, क्लीवेज होता है, मोरूला अवस्था आती है, ब्लास्टुला अवस्था आती है, फिर गैस्टुला अवस्था आती है। दिस इज द राइट आंसर। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज होती है, फिर मोरूला अवस्था आती है, फिर ब्लास्टुला आती है, फिर गैस्टुला अवस्था आती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं लगभग सही आंसर है। जोया जी बहुत ही नया ये आपका मैसेज का तरीका था, एक साथ सिर्फ आप ही के सी 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 दिख रहे थे। हाउ इट पॉसिबल? नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट? इसमें से कौन है जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में आता है? ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाया है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में कौन आता है? तो आप बताएंगे कार्बन का डाइऑक्साइड आता है, सल्फर आता है और नाइट्रोजन आता है। दिस इज द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। इन्हें हम लोग प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको एनी टाइम कहीं भी क्लियर होना चाहिए और इस तरह से आप सभी लोगों का रेशियो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी को वाइटल ऑर्गन कहा जाता है? किडनी को हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स इन द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन, किडनी हमारे शरीर का वाइटल ऑर्गन कहलाती है क्योंकि ये क्या करती है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करती है, ये एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है, ये रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड करती है, इसलिए इसे वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा डी और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर चल रहा होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पर, अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन से आंसर दीजिएगा। Which of the following are correct about sex determination in human being? Human being में sex determination कौन करता है? Sex of determined by chromosome, इससे तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। 22 plus XX is female and 22 plus XY is male। आप कहेंगे सर जी यही सही है। 21 plus XX is female, महागलत है। 22 plus X is female, महागलत है। कह रहा है कि द करेक्ट आंसर इज, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो आप बताएंगे सर ए और बी बोथ सही है, ए और सी बोथ सही है, ए और डी बोथ सही है, या बी ओनली? यहां पे आप लिखे बी ओनली और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यहां सभी का आंसर आ रहा होगा बी ओनली, जी बी ओनली। और जब आप सभी लोग बी ओनली पर जाएंगे तो आप सभी लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी का आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि यहां पर ए ओनली गलत टाइप हो गया है, यहां पे होना चाहिए डी ओनली। क्लियर? फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में फैट कब बनता है? फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में फैट कब बनता है बताने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। हमारे शरीर में फैट कब बनता है? तो सभी लोग आंसर कर रहे होंगे कि जब जब ग्लाइकोजन स्टोरेज जो होता है लीवर में और मसल्स में, ये दोनों में बढ़ जाता है तब बनता है। कब बनता है? जब ग्लाइकोजन स्टोरेज लीवर और मसल्स में कंप्लीट हो जाता है तब बनता है। लगभग सभी का करेक्ट आंसर होगा। द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, बताइएगा सोच समझ के। इस क्वेश्चन पर हम कोई बात नहीं करेंगे, हम इस पर सिर्फ आंसर देखेंगे आप लोगों का और उम्मीद करते हैं आप लोगों का सही आंसर आएगा। जी बताने की कोशिश करिएगा और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जी अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जी सौरभ मौर्य जी, उपासना चौहान जी, समीना शेख जी, बिंदुसार जी, साजिदा शेख जी, जी शुभम रिंकू जी, प्रिया यादव जी, सोनम जी, अंकिता भटनागर जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अरेंज देम इन डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम हेड टू फुट, हेड टू फुट जाना है तो हेड में कौन पाई जाती है?
पीनियल ग्लैंड मतलब सी, पहले सी, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर डी, फिर उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तो थाइमस, फिर ई, उसके बाद पैंक्रियाज, फिर सबसे नीचे एड्रिनल ग्लैंड। इस आधार पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी। जितने लोगों ने सी आंसर किया था सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाई, कैसे डिटरमाइंड किया जाता है? तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा सर, रेडियोमीटर डेटिंग द्वारा, कार्बन डेटिंग, रेडियोमीटर डेटिंग या रेडियो एक्टिव डेटिंग। आपसे पूछा जाए कि रॉक की एज किससे डिटरमाइन करते हैं, तो आप बताएंगे सर रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा इसको डिसाइड करते हैं। तो लगभग आप सभी का आंसर आ रहा होगा रेडियोमेट्रिक डेटिंग इज द राइट आंसर। वेयर वी कैन फाइंड अ पोलर न्यूरॉन, काफी अच्छे से आपको बताया था और नोट करके लिखाया है कि पोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं। आ पोलर न्यूरॉन, फाइंड आ पोलर न्यूरॉन, आ पोलर न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी में कहां पाए जाते हैं? आपको लिखवाया है एमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना में आ पोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। आ पोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे सर जी आ पोलर न्यूरॉन एमाक्राइन सेल्स में पाए जाते हैं जो कि रेटिना में प्रेजेंट होती है। और पूरी उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, एमाक्राइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपकी संस्था में जिनका सिलेबस बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जो लोग सियोर टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ना चाहते हैं, लगभग 90 टेस्ट सीरीज हैं और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से 12,250 प्रश्नों की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराई गई है। आप सभी लोग सियोर टेस्ट सीरीज बैच से जुड़ने के लिए 8756703588 पर ज्वाइन बायो टेस्ट सीरीज लिखकर भेजें और अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट, मैमेलियन किडनी क्या एक्सक्रीट करती है? 30 क्वेश्चन के बाद कैलकुलेशन देखेंगे, झोला भरते रहिए। 30 क्वेश्चन के बाद देखेंगे, झोला आप लोग अपने भरते रहिए, झोले को खाली मत होने दीजिएगा जी। उस नंबर पे हमने कल बताया था किसी भी फीस के लिए आप उस नंबर पर डिटेल मंगाएंगी, आपके पास डिटेल आएगी, उसमें फीस लिखा रहेगा। क्लियर? आइए, मैमेलियन किडनीज सर्व टू एक्सक्रीट, ये क्या एक्सक्रीट करती हैं? एक्सेस सॉल्ट को, यूरिया को, एक्सेस वाटर को। एक्सेस सॉल्ट को, वाटर को, अमीनो एसिड को, महागलत। एक्सेस वाटर को, यूरिया को, अमीनो एसिड को, महागलत। इसका सही आंसर है ए, एक्सेस सॉल्ट, यूरिया एंड और एक्सेस वाटर को ये क्या करती हैं? ये एक्सक्रीट करती हैं। द साइटो स्केलेटन का नाम सुनते ही आप लोग खुश हो जाते हैं। द साइटो स्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड बाय, यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? उम्मीद करते हैं आप में से लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा कि ये प्रोटीन किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन फिलामेंट का बना होता है। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। रिगार्डिंग मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का नाम आता है तो आप लोगों को ओबिलिया याद आता है। रेट्रोग्रेसिव का नाम आता है तो आपको हर्डमानिया याद आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? गोनेंजियम हैप्लॉयड स्टेज होती है, प्लानुला सेक्सुअल स्टेज होती है, मेड्यूसा डिप्लॉयड स्टेज होती है, हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज होती है। यही गलत है, हाइड्रेंथ जो है ये सेक्सुअल स्टेज नहीं होती है। इसका गलत आंसर कौन सा है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? हाइड्रेंथ मेल नहीं खाता। कौन मेल नहीं खाता? हाइड्रेंथ मेल नहीं खाता। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज द मेन पॉइंट ऑफ, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसका किसका जो है मेन पॉइंट था? बच्चा बच्चा जानता है दिस वॉज मेन पॉइंट ऑफ लैमार्क साहब। ये किसका मेन पॉइंट था तो आप बताएंगे ये लैमार्क साहब का मेन पॉइंट था। बताने की कोशिश करिएगा ये किसका था, ये लैमार्क साहब का था। इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर का, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर पर बात कौन कर रहे थे और जो है लैमार्क साहब कर रहे थे, इन्हीं के पीछे डार्विन लग गए थे,
इन्हीं के पीछे ह्यूगो डिब्रीज लग गए थे और इन्हें गलत साबित करने की पूरी तरीके से कोशिश की थी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए इन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से डिफर करता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए न्यूक्लियर डीएनए से रिफर करता है किसमें? तो आप बताएंगे, बीइंग लीनियर, बीइंग सर्कुलर, हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड टी, सी डबल बॉन्ड जी, बीइंग हाईली ट्विस्टेड। आप बताएंगे बीइंग सर्कुलर, ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा कि सर ये सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स। जब आज आपको लग रहा होगा कि आप इस क्वेश्चन को जानते हैं, ऐसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तब भी आपको लगेगा आप ऐसे क्वेश्चन को जानते हैं। व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम, दिस इज कॉल्ड टॉटोनिम। इसे हम लोग टॉटोनिम के नाम से जानते हैं और हमें पूरा भरोसा है आप सभी का करेक्ट आंसर चल रहा होगा। ये क्वेश्चन खतरनाक है, ये क्वेश्चन आपको मजबूर करेगा कि आप इसका रिवीजन का कार्य अच्छे तरीके से करें। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और ये क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आप इसका रिवीजन का कार्य करें, तभी ये क्वेश्चन आपसे हैंडल हो सकता है। हमने पूरे प्लासेंटा की क्लास ली है और आपसे बताया है कि किसमें कौन सा प्लासेंटा पाया जाता है और किस प्लासेंटा में कितने बैरियर होते हैं, सबको बहुत अच्छे से ट्रिक से बताया है। आपसे पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच कौन है? सिंडेस्मो। आपको बताया था सिंडेस्मो में 5 बैरियर होते हैं। कितने होते हैं? 5 बैरियर होते हैं। ये काऊ और गोट में पाया जाता है, यही एक करेक्ट है, बाकी जितने लिखे हैं वो सभी इनकरेक्ट। सिंडेस्मो ये करेक्ट है, बाकी सभी क्या है? बाकी सभी इनकरेक्ट है। ये आपके झोले में से एक को कम कर देगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत दिन हो गया होगा आपको देखे हुए, हमने यूट्यूब पर बहुत अच्छे से कराया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकाइनाइट स्टेज या ऊकाइनीट स्टेज, ये क्वेश्चन बिल्कुल नया सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकाइनीट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाइंड, मलेरियल पैरासाइट पाया जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मलेरिया परजीवों की ऊकाइनेट अवस्था पाई जाती है? लीवर ऑफ मैन में, एरिथ्रोसाइट ऑफ मैन में, स्लेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्क्यूटो में, स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो में। याद रखिएगा ये स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ऊकाइनेट पाई जाती है स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो, ये मॉस्क्यूटो के स्टमक में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये कहां पाया जाता है? स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं सभी लोग फटाफट मैच करेंगे। हमें तो पाइला का नाम याद आता है तो मुझे याद आते हैं कौन? बेनी प्रसाद। फेरिट्यूमा का नाम याद आता है तो मुझे याद आते हैं के एन बहल। हर्डमानिया का नाम याद आता है तो हमें याद आते हैं एस एम दास। और पैलियोमोन का नाम या आता है तो हमें याद आते हैं आपके पटवर्धन साहब। हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी का नाम आता है तो हमें याद आते हैं एमएस मनी, एमएस धोनी नहीं, एमएस मनी। आप लोगों को याद आता है या नहीं याद आता है ये आप पर मैटर करता है। पहला का नाम आया मुझे बेनी प्रसाद याद आए, मतलब ए का 3, ए का 3 और बी का 1। हर्डमानिया नाम आया, के एन बहल याद आए, पैलियोमोन नाम, वो हर्डमानिया नाम आया तो आप बताएंगे एस जी, फेरिट्यूमा नाम आया, के एन बहल याद आए, हर्डमानिया नाम आया तो आप बताइएगा इसमें हमें याद आते हैं एस एम दास। तो सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, सी इज द राइट आंसर, लगभग सभी का करेक्ट। एक बार आप बोल के देखिए, पाइला नाम आएगा तो पाइला मतलब बेनी प्रसाद याद आएंगे, फेरिट्यूमा नाम आएगा तो के एन बहल याद आएंगे, हर्डमानिया नाम आएगा तो एस एम दास याद आएंगे, पैलियोमोन नाम आएगा, पटवर्धन याद आएंगे, हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी आएगा, डॉक्टर एम एस मनी टिक करके आएंगे जी। ऐसे याद रहना चाहिए तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा फील करेंगे। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाई, गाड़ी के पहिए की संरचना प्रदर्शित की जाती है, गाड़ी के पहिए की संरचना कौन प्रदर्शित करता है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर,
कार्टविल स्ट्रक्चर कौन प्रदर्शित करता है? सभी का जवाब आ रहा होगा, सेंट्रियोल एस्टेब्लिश करता है। हम लोग 30 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। 30 में से आप में से कितने लोग हैं जो 30 पर स्टैंड कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो 29 पर स्टैंड कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो 28 पर स्टैंड कर रहे होंगे? जी बताने की कोशिश करिएगा, एक एक नंबर अब आपका बचाना है। सभी लोग ईमानदारी से 23 में कुमारी खुशबू जी, 24 बहुत कम है, श्रद्धा मिश्रा जी रियली गुड, अंकिता भटनागर जी गुड, नेहा शर्मा जी बहुत अच्छा, विनय मैनी जी, प्रभा जी थोड़ा सा कम है, सुरभि जी 29 डन बहुत अच्छे, लगभग जी सभी लोग, ज्यादातर लोग 28-29 पर हैं जी। आज हमने 27 को मार्केट से बाहर किया है। मीनाक्षी सिंह जी 25 रियली गुड, थोड़ा सा और बढ़ाइए जी। उम्मीद करते हैं काफी अच्छा। अंकिता मौर्या जी डन जी, रोली वर्मा जी, रोली जी बहुत अच्छी, 30/30 गुड एक्सीलेंट जी। जोया जी 30/0 ये क्या है, 28/30 डन। उपासना जी 29 गुड एक्सीलेंट, अच्छा रहा। अब आप देखिए, हमने आपके एक नंबर घटा दिए हैं, कि मतलब पहले आपसे कहते थे ना 10 में से एक गलत करेंगे चलेगा, अब ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब 30 में केवल दो करने की छूट है गलत, 30 में दो गलत करने की छूट है, मतलब 120 में 8 गलत करने की छूट है, 112 के प्लस मारना है आज आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, आज का हमारा टारगेट क्या है, आज का टारगेट क्या है, 112 प्लस। कितने लोग? कम से कम 60-70 लोग, 60-70 लोग कम से कम किस पर होंगे, कम से कम 60-70 लोग 112 प्लस होंगे जी। बहुत अच्छे, चलेगा ना? सभी लोगों को चैलेंज एक्सेप्टेड है, टारगेट एक्सेप्टेड है ना जी। माधुरी वर्मा जी लेट आई हैं, 13 में से 16 ओके। सिद्धार्थ जी आज 112 प्लस पर लगना है, हाँ दो ही बस, इतना ही गलत करना है, तो आज आपको रेशियो बताएंगे। डाउन सिंड्रोम इज, डाउन सिंड्रोम दोस्तों, डाउन सिंड्रोम का नाम आता है, तो नाम डाउन सिंड्रोम है, और क्या होता है, किस पे होता है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल एक्स क्रोमोसोम नंबर 21। सभी लोगों को याद आया होगा, डाउन सिंड्रोम का मतलब एडिशनल नंबर 21, याद आता है जी, डाउन सिंड्रोम मतलब 21 जी। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, जब मैच द फॉलोइंग आया करे तो पूरे मन से पढ़ा करिए। राइनोसिरोस, वाइल्ड एस, स्लॉथ बियर, हंगुल। अब इसमें दो को आप जानते हैं, ये राइनोसिरोस को जानते हैं, हंगुल को जानते हैं। अब आ जाइएगा इधर, थॉर, डिजर्ट कश्मीर, माउंट आबू फॉरेस्ट, फूट हिल ऑफ हिमालयाज। राउंड जो होता है राइनो, ये कहां पाया जाता है, फूट हिल ऑफ हिमालयाज में। हंगुल कहां पाया जाता है, कश्मीर में। अब उम्मीद करते हैं यहां से दो से आपका क्लियर हो गया, कि ए का फोर होगा, डी का टू, ए का फोर और डी का टू जिसमें ऑप्शन है, वो आंसर आपका सही हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जो वाइल्ड एस होता है, जंगली गधा, वो थार डिजर्ट में पाया जाता है, और जो स्लॉथ बियर होता है, जो स्लॉथ बियर होता है वो माउंट आबू फॉरेस्ट में पाया जाता है। स्लॉथ बियर जो होता है वो माउंट आबू फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहां तक का ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है जी। जब मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन ऐसे आए, तो आपको पूरी अपनी जितनी आपके पास ट्रिक है, जितनी सोच सकते हैं, वो सब यूज करना है। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन में फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन को एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन एक्सेप्ट करता है, कौन एक्सेप्टर होता है, आंसर है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के चलती है, और एनर्जी प्रोवाइड होती है ऑक्सीजन के माध्यम से। कौन एक्सेप्टर होता है, स्टार लगा लीजिएगा, वन लाइन का फैक्ट वाला क्वेश्चन है, खतरनाक जी। धोखे से वाटर
और जो है FMN साइटोक्रोम ना टिक करना क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा है करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है बताइएगा, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है जी, बताने की कोशिश करिएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं पूछ रहा है अभिषेक गिरी जी, जी लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, हाउस फ्लाई, एंथ्रैक्स, मॉस्क्यूटो, इंसेफलाइटिस, रैट फ्लिया, बीबोनिक प्लेग। जी यहां देखिए बेड बग, बेड बग गोनोरिया, अरे भैया बेड बग, बेड बग जो है ये कोई बीमारी नहीं फैलाता, नॉट बेड बग नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ डिजीज ये किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलाता है। इसकी खास बात है ये उन लोगों के बेड पर पाया जाता है जो गंदे सड़े बदमाश टाइप के लोग हैं, उनके बेड में पाया जाता है और ये उनको क्या करता है, उनके स्किन में इचिंग कर देता है, इचिंग करता है, बस इसका काम क्या है, इचिंग करना और टिचिंग करना, इचिंग करता है और टिचिंग करता है जी, इचिंग करता है टिचिंग करता है, कहता है उठो और अब क्या करो, टीचिंग करो, तुम भी टीचर बनने वाले हो जी, इचिंग टीचिंग करता है, ये कोई बीमारी नहीं फैलाता, ये इचिंग टीचिंग करता है, ये कोई बीमारी नहीं फैलाता, और इचिंग और टीचिंग कोई बीमारी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ब्लंडर यहीं पर है, इसका सही आंसर होगा ये, अगर ये ना होता तो हाउस फ्लाई में एंथ्रैक्स लिखा है वो सही है, हाउस फ्लाई कहीं ना कहीं से मोड का काम करती, तो बेड बग को ध्यान रखिएगा, बेड बग कोई बीमारी नहीं फैलाता। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो गंदे सड़े लोग हैं आप बेड बग को ही पाल ले, नहीं। लिंक रिएक्शन इन रिस्पिरेशन इन्वॉल्व, कह रहे कि लिंक रिएक्शन, जब आपको रिस्पिरेशन पढ़ा रहा था तो उसमें पढ़ाया था लिंक रिएक्शन इन्वॉल्व, लिंक रिएक्शन क्या होता है, एसिटल को एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, लिंक रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल की ओर मूव कर रहे थे तो वहां पर लिंक रिएक्शन पढ़ा था, इसका काम कौन करता था, एसिटल को एंजाइम करता था, कौन करता था, एसिटल को एंजाइम करता था, और सभी लोगों का करेक्ट आंसर है एसिटल को एंजाइम। लगता है कुछ लोगों को पता था कि 7 बजे क्लास है, वो लोग कूटे भी जाएंगे, एक बार अपने चैनल पर आकर देख लिया करिए, बफरिंग की वजह से हमने आपकी संडे की क्लास कितने बजे कर दी थी, 6 बजे, कि बफरिंग ना हो, हम आपको हर तरह से सहूलियत देते रहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना होने पाए, मुझे जो एडजस्ट करना है हम वो एडजस्ट करते रहते हैं, नो मैटर जी, बफरिंग ना हो, बफरिंग को रोकने के लिए 6 बजे थे, लेकिन कुछ लोग 7 बजे जान करके लेट से आ रहे हैं जी। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। और देखिए मंजू कुमारी जी कह रही है मुझे लगा 7:30 बजे है, ये लोग फिर जो है, अब इन लोगों को लगता भी है, सबसे बड़ी आफत ये है जी। लिडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन, ये किसको एक्सप्लेन करता है, डार्विन्स थ्योरी को, किसको, ये डार्विन्स थ्योरी को एक्सप्लेन करता है जी, इस किसको एक्सप्लेन करता है, ये डार्विन्स थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, ये डार्विन थ्योरी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छे से कराया है पिन पॉइंट में। द जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल इज फाउंड इन, जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल किस में पाई जाती है, जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल ऑफ ओरल म्यूकोसा, न्यूरॉन, न्यूरॉन दिख गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, जी नॉट वाली अवस्था इसी में होती है क्योंकि इसमें सेल डिविजन नहीं करता है। जी नॉट की अवस्था किस में होती है, जी नॉट की अवस्था न्यूरॉन्स में होती है जी, सभी को जानना चाहिए, न्यूरॉन्स में फर्दर डिवीजन नहीं होता, सेल जी नॉट अवस्था पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अच्छा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सभी का करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, हेनले लूप्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट,
द करेक्ट आंसर इज, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है बताने की कोशिश करिएगा। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बिल्कुल सही है। हेनले लूप, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी होता है, ये भी सही है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें रिजॉर्प्शन होता है सोडियम का और वाटर का, ये भी सही है। कलेक्टिंग डक्ट मेंटेनेंस करती है पीएच का, बिल्कुल सही है। जिनको नहीं आता वो याद कर लेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन होता है। हेनलेज लूप में ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। डीसीटी अब फेमस है सोडियम के रिजॉर्प्शन के लिए और वाटर के रिजॉर्प्शन के लिए। कलेक्टिंग डक्ट पीएच को मेंटेन करता है। इस आधार पर आपका आंसर डी इज द राइट आंसर। इस आधार पर आप सभी लोगों का डी करेक्ट आंसर है और उम्मीद करते हैं ज्यादातर लोगों का आंसर करेक्ट है। याद कर लीजिएगा, इतने क्वेश्चन कराने का टारगेट क्या है कि आपके यादों में बस जाना चाहिए। ये इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन F1 जनरेशन। F1 नहीं, द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन F2 जनरेशन। याद रखिएगा, इसका सही आंसर है F2 जनरेशन में ये दोनों सेम होते हैं। किसमें? F2 जनरेशन में ये दोनों सेम होते हैं। द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बायोनोमियल नॉमनक्लेचर आर, दो शब्द वो कौन है जो बायोनोमियल नॉमनक्लेचर को कंप्राइज करते हैं? कौन से शब्द हैं आप बताएंगे, जीनस और स्पीसीज हैं जो बायोनोमियल नॉमनक्लेचर को कंप्राइज करते हैं। जी, कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है और इन्हें फादर ऑफ किसके नाम से जाना जाता है? बायोनोमियल नॉमनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, केवीएस एनवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, जीआईसी का एग्जाम देना चाहते हैं, आने वाली टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, ईएमआरएस का फॉर्म भरकर बैठे हैं, आप चाहे जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी एमपी झारखंड उत्तराखंड बिहार राजस्थान हरियाणा दिल्ली या किसी अदर स्टेट से, वेस्ट बंगाल तक एंट्री है, वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश श्रीनगर, मतलब अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं और आप बायोलॉजी के सेक्शन को प्रिपेयर करना चाहते हैं, बायोलॉजी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपका परम धर्म और कर्म है कि आप एनसीईआरटी को जरूर से जरूर रेडी करें। और एनसीईआरटी अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय की किल्लत है, तो आप एनसीईआरटी बैच से जुड़ने के लिए 8756703588 पर ज्वाइन एनसीईआरटी बायो लिखकर भेजें और अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई करें। प्रोटोजोवंस आर मेनली हेटरोट्रॉप्स, वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंज, महागलत। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, ऑल आर ट्रू। बताने की कोशिश करिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पता चल गया कि बी गलत है, और जब बी गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत है। जी, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, ये हाइड्रा के बेस पर प्रेजेंट होता है। आप बताएंगे नो सर, ये हाइड्रा के बेस पर नहीं प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये आंसर है प्रोटोजोवंस आर मेनली हेटरोट्रॉप्स। प्रोटोजोवंस क्या होते हैं? प्रोटोजोवंस हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जी बहुत अच्छे कुमकुम दुबे जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विद यूरिन इज नोन एज, जिसमें लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विद यूरिन होता है, उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, नो। डायबिटीज इंसिपिडस, नो। कीटोन्यूरिया, नो। इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। जब प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर जाता है तो दिस इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इट इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसे हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं और उम्मीद करते हैं लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर जा रहा होगा। इसे हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मैच करें, निम्नलिखित को मैच करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप में से ज्यादातर लोगों का सही आंसर आएगा। डिस्क्वाइडल डेसीडुएट, जोनरी डेसीडुएट, कॉटिलिडनरी डेसीडुएट, डिफ्यूज इन डेसीडुएट,
यहाँ आपको बताना है प्लेसेंटा दिया है और यहाँ पर दिया है, आप सभी को याद है जोनरी डेसिडुएट जो होता है वो कार्निवोर, हार्बीवोर और ओमनीवोर तीनों में पाया जाता है। तो इसका सबसे पहला आंसर मिल गया होगा बी का वन। और जैसे आप लोगों को बी का वन मिला होगा, आप सभी लोग तरीके से रेडी हो गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। डिस्क्वाइडल डेसिडुएट जो होता है ये प्राइमेट्स में पाया जाता है और चिरोप्टेरा में भी देखा जाता है। कॉटिलेडिनरी जी, टू ए का टू बी का वन। कॉटिलेडिनरी पाया जाता है डियर में और डिफ्यूज पाया जाता है पिग और हॉर्स में। ये डिफ्यूज याद रखिएगा, पिग और हॉर्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप सभी का आंसर ए आएगा और ए इज द राइट आंसर। और सारे प्लेसेंटा का नाम हमने लिखवाया है, याद करवाया है अच्छे से। कॉटिलेडिनरी जी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या इन सिंपैथेटिक नर्व्स टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर्स आर, इसमें टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व, जब आपको पढ़ाया था हार्मोन तो वहां पर सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और वहां पर हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्व्स पर टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है। एसिटाइलकोलाइन होता है और एड्रेनालिन होता है। एड्रेनालिन का भाई नॉन एड्रेनालिन भी सही हो जाएगा और इसका सही है, इसका डी आंसर सही है। एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलाइन होता है, तो यहां पर एड्रेनालिन नहीं दिया है, नॉन एड्रेनालिन है, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉन एड्रेनालिन एंड एसिटाइलकोलाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम, इसमें से कौन सा प्रो एंजाइम है जो पहले एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं सर जी, पेप्सिनोजन होता है जिसको HCl कन्वर्ट करता है। यहां कह रहे हैं कि इंटरोकाइनेज किसको कन्वर्ट करता है। अगर पूछता कि HCl किसको कन्वर्ट करता है तो आपका आंसर आता है पेप्सिनोजन। यहां पे आपसे पूछ रहा है इंटरोकाइनेज किसको कन्वर्ट करता है, आपका आंसर आएगा ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का नेचर समझिएगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछना चाहा है आपसे। क्वेश्चन ने आपसे पूछना चाहा है कि कौन सा प्रो एंजाइम है जो पहले एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है। तो आप बताएंगे सर पेप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है HCl, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है इंट्रोकाइनेज। तो इस तरह से समझेंगे तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर आ जाएगा, इसका डी आंसर सही है। कौन सा सही है, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर। फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉलोइंग से करेक्ट मैचिंग पेयर बताइए। थायरॉक्सिन की कमी से रिकेट्स होता है, महागलत। विटामिन डी की कमी से क्रिटिनिज्म होता है, महागलत। कैल्सिटोनिन पैराथायरॉइड से निकलता है, महागलत। हाइपरग्लाइसीमिया जब होता है किसके कारण होता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने लगता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने लगता है। तो धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और जब धीरे धीरे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जी हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 आपकी स्क्रीन पर। इन ह्यूमन एंटामीबा जिंजिवेलिस लिप्स, ह्यूमन में एंटामीबा जिंजिवेलिस कहां पाया जाता है। आप बताएंगे सर जी ये पायरिया कॉज करता है, ये पायरिया वाली जगह पर पाया जाता है, पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया। ये कहां पाया जाता है, पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया पाया जाता है, पस पॉकेट्स में पाया जाता है, गम में। नेक्स्ट, मिथेनोग्लोबिनीमिया इज कॉज्ड बाय, मिथेनोग्लोबिनीमिया कौन कॉज करता है। हमें कुछ नहीं बोलना है, आप लोगों के आंसर चेक करना है। ये मिथेनोग्लोबुमिनिया कौन कॉज करता है, 9 नंबर क्वेश्चन है 48, ये कौन कॉज करता है मिथेनोग्लोबुमिनिया जी, कौन कॉज करता है,
कोमल भार्गवा जी, दीपा जी, विनोद कुमार जी, जी मोहम्मद शमीम साहब बहुत अच्छे, माधुरी जी रियली गुड, सिद्धार्थ साहब गुड, सुनील गुप्ता जी बहुत अच्छे, नेहा शर्मा जी गुड, संजीव गोस्वामी जी गुड, सुमित्रा मुर्मू जी गुड, दीपा यादव जी गुड जी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और कुछ लोगों ने आंसर गड़बड़ दे दिया। ये मिथाइमोग्लोबिनीमिया है, ये किससे होता है? नाइट्रेट फर्टिलाइजर से होता है। इसका सही आंसर होना चाहिए, लगभग आप में से सभी का आना चाहिए, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। और लिखवाया है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। ए इज द राइट आंसर, इसका ए करेक्ट आंसर है। सभी लोग संभालिएगा क्वेश्चन, मिथाइमोग्लोबिनीमिया नाइट्रेट फर्टिलाइजर के कारण होता है। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें। इसको मैच करना तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। ब्लड डिसेंट्री, फाइलेरिया, हाइड्रेटेड डिजीज, काला आजार, इकाइनोकॉकस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लिस्मानिया, बुकेरेरिया। ब्लड डिसेंट्री एका टू देखते ही आप सभी लोगों ने सी टिक कर दिया होगा। एका टू देखते ही, अब आप इतने बड़े हो गए हैं, एका टू देखते ही सी टिक कर दिया होगा। लेकिन ऐसा मत किया करिए, आप सारे ऑप्शन को एक बार जरूर से जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम का नहीं है। एग्जाम का होता तो हम खुद ही कहते एका टू मार करके आगे भाग जाना। अकॉर्डिंग टू HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जीनस इन अ ह्यूमन सेल इज, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स, यहां पे जीन्स कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन सेल्स इज, याद है ना, 30 से 32,000 याद है ना सभी लोगों को, 30 से 32,000 याद। कितने जीन्स होते हैं? 32,000 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय, ह्यूमन बीइंग में सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय साइज ऑफ ओवम पर, साइज ऑफ स्पर्म पर, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर पर, या सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर पर। सभी का आंसर आएगा सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर पर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, TH Morgan used which of the following for most of his work on genetics? TH Morgan साहब ने genetics के काम के लिए किस पर ज्यादा work किया था? Your answer will be Drosophila. किस पर work किया था? Your answer will be Drosophila. ये इन्होंने Drosophila पर work किया था, और लगभग सभी का correct answer आ रहा होगा। Drosophila को fruit fly के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। इन आरेलिया द एक्सहेलेंट वाटर करेंट रिटर्न्स थ्रू, आरेलिया में एक्सहेलेंट वाटर करेंट वापस लौटता है। आरेलिया में निश्वासित जल धारा किसके द्वारा वापस आती है? याद रखना, पर रेडियाई और इंटर रेडियाई का कॉन्सेप्ट समझाया था, इसी के द्वारा लौट कर आती है। पर रेडियाई और इंटर रेडियाई का कॉन्सेप्ट नेवर बी फॉरगेटेड। पर रेडियाई और इंटर रेडियाई का कॉन्सेप्ट बताया था, इसी के द्वारा लौटकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है आपकी स्क्रीन पर, बताने की कोशिश करिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। इन पॉइजनस स्नेक्स फैंग्स आर मॉडिफाइड, पॉइजनस स्नेक्स में फैंग्स मॉडिफाइड होते हैं। किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, ये मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? ये मैक्सिलरी टीथ का मॉडिफिकेशन होते हैं। आई होप सो कि आप में से सभी का आंसर करेक्ट होगा। जी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर, विच जोन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा जोन करेक्टली मैच्ड है? एक तरफ जूलॉजिकल नेम दिया है, एक तरफ कॉमन नेम दिया है। जूलॉजिकल नेम में लिखा है स्कोलियोडॉन को डॉग फिश कहा जाता है, टॉर्पिडो को कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है,
लेबियो रोहिता को फ्लाइंग फिश कहा जाता है, प्रोटोप्टेरस को सी हॉर्स कहा जाता है, योर आंसर विल बी स्कोलियो डॉन को डॉग फिश कहा जाता है, लगभग सभी का करेक्ट है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कैंथरीडिन एन आयल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी लोग गूगल करके अपने घर पे जरूर देख लीजिएगा, कैंथरीडिन एक ऑयल होता है जो किससे प्रिपेयर किया जाता है, ड्राइड एलिट्रा ऑफ बीटल से, ड्राइड एलिट्रा ऑफ बीटल से ये प्रिपेयर किया जाता है। इसका आंसर याद रखना कैंथरीडिन। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है और इसे संभालने की कोशिश करिएगा। ऑफ बीटल से ये जो है रेडी होता है, और आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, थोड़ा एक रीडिंग कर लीजिएगा। हाउ इज इट दैट टीनिया एस्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट, हाउ इज इट दैट टीनिया सोलियम एस्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है, एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड के कारण, एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के कारण, एसिड लिपोपॉलीसेक्राइड के कारण, अल्कलाइन लिपोपॉलीसेक्राइड के कारण, इसमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण यह कैसे होता है कि टीनिया सोलियम परपोषी होता है, मनुष्य में एंजाइम के पाचन से बच जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आप बताएंगे सर ऐसा पॉसिबल है म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, अल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर के कारण, एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड लेयर के कारण ऐसा पॉसिबल है, लगभग लोगों का आंसर आ रहा है बी इज द राइट आंसर, दिस इज द मेन कॉज, यही मेन कॉज है जिसके कारण ये डाइजेस्ट नहीं होता है। लिपिड द सर्व्स एज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस फाउंड इन, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लिपिड जो है सर्व एज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज फाउंड इन, लिपिड कहां पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड कहां पाया जाता है तो आप बताएंगे सर जी अराउंड नर्वस टिश्यू, ये लिपिड कहां पाया जाता है, तो आप सभी लोगों का आंसर आएगा सर अराउंड नर्वस टिश्यू, लिपिड द सर्व एज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस, इलेक्ट्रिकल चेंजेस के लिए इंसुलेटर का काम करता है, और ये कहां प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होता है जहां पर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अराउंड नर्वस टिश्यू। जी दीपक इलाहाबाद जी आपका शॉर्टकट हमने देख लिया है। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट, पैंक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रीट करता है, जी द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट्स, ये क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन जी, और इसका एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करता है, इसका एक्सोक्राइन सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ जी। अब भाई आप डाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, डाइजेशन करते हैं तो वाटर निकलता है, एक्सक्रीशन करते हैं तो वाटर निकलता है, मसल्स एक्टिविटी करते हैं तो वाटर निकलता है, टिश्यू रिस्पिरेशन होता है तो जो वाटर निकलता है वो वाटर फिर से यूज होता है, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वाटर, इसे मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं है, ये मेटाबॉलिक वाटर है, टिश्यू से जो निकलता है उसे हम लोग मेटाबॉलिक वाटर के नाम से जानते हैं। तो ये थे 60 क्वेश्चन, और आप सभी को अपने रेशियो बताने हैं कि आप कहां पहुंचे 60 में, आपका रेशियो कहां पहुंचा, उम्मीद करते हैं आने वाले 60 में आप सभी में से ज्यादातर लोग होंगे जो 59 पर स्टैंड कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे 58 पर स्टैंड कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे वो स्टैंड कर रहे हैं 57 पर, कुछ लोग स्टैंड कर रहे हैं 56 पर, उम्मीद करते हैं ये 4 आंकड़े हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं बताने की कोशिश करिएगा। विनय मैनी जी रियली गुड 57, और श्रद्धा जी बहुत अच्छी 57, साहू जी 53, कुमार जी 55, असद जी 55,
आर एंड के जी अभिषेक जी 56 57 57 60 by 60 कौन है? कोई नहीं है, और हमें हम लोगों को 60 by 60 चाहिए भी नहीं भाई, ये 60 by 57 ही बहुत है जी, 50 by 60 by 57 काफी मैटर रखता है, नथिंग। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा जी, 60 क्वेश्चन तक आपने जी। शोभा चौधरी जी 58 गुड, 58 एक्सीलेंट। मीनाक्षी सिंह जी 51, मतलब मीनाक्षी जी 25 थी लास्ट में, 25/30 उसके बाद इन्होंने अभी 26 किया है, आपकी बार 27 करिएगा फिर 28 करिएगा, टोटल एवरेज निकलेगा 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 106 पहुंचिएगा यहां तक, कोशिश है कि यहां तक तो पहुंचने का चांस है। हर इंसान का अपना एक टारगेट होता है, जैसे मेहनत खूब की जाती है, मेहनत सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप खूब अच्छा अपना रिस्पॉन्स दे सके, फिर भी काफी अच्छे पोजिशन में है आप। टीजीटी पीजीटी एलटी बायोलॉजी के लिए हमने टारगेट 24 बैच लॉन्च किया है, जिसमें मॉर्निंग में एक क्लास होती है 10 बजे, जिसमें हम लोग एल्गा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और 11:30 बजे से एनसीईआरटी की क्लास होती है 1:15 बजे तक। आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो टारगेट 24 बैच में या एनसीईआरटी बैच में या टेस्ट सीरीज बैच में जुड़ने के लिए 8756703588 पर ज्वाइन बायोलॉजी या ज्वाइन टेस्ट सीरीज या ज्वाइन एनसीईआरटी लिखकर भेजें, अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। एक क्वेश्चन आता है ये मैच लिस्ट द मैच द फॉलोइंग, आजकल का ये सिस्टम हो गया है मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन के क्वेश्चन। असर्शन रीजन के लगभग मेरे पास 1000 क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के 1000 क्वेश्चन है, और हम चाहेंगे कि 1000 क्वेश्चन से आपको रूबरू जरूर कराएंगे जी। असर्शन रीजन एक तरफ से शुरू होगा, फिर हम लोग का असर्शन रीजन ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। बताइएगा दोस्तों, स्फिनोडॉन देखते ही आपने टिक कर दिया होगा लिविंग फॉसिल, फिर कुछ लोगों ने मिलाने की सोची होगी और बी आंसर सही हो गया होगा जी। क्लियर, बर्ड को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, आप सभी को याद है किसने कहा था बर्ड को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, किसने कहा था? डार्विन फिंचेस गैलापागोस आइलैंड पर देखा जाता है, और मिसोजोइक जो है एज ऑफ रेप्टाइल के नाम से फेमस है। बताने की कोशिश करिएगा डार्विन, ये बर्ड को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स किसने कहा था? देखिए जवाब आना शुरू हो गया होगा, हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन करता है? सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइम जाइमिन दोनों है, सिक्रेटिन भी करता है और पैंक्रियोजाइमिन भी करता है, इसलिए इसका आंसर दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। अगर पैंक्रियोजाइमिन ना होता तो सिक्रेटिन इज द राइट आंसर। दिस इज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, ये पहला हार्मोन था जिसे डिस्कवर्ड किया गया था। आ जाइए मिस आरसीएम के पास, आपसे यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है मिस आरसीएम से जी। गिव दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म अपीयरिंग इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका के जीवन इतिहास में दिखाई देने वाले लार्वा का लार्वा रूप का सही क्रम है। सही क्रम हम लोग कैसे याद किए हैं मिस आरसीएम, याद किए हैं ना मिस आरसीएम जी, कैसे याद किए हैं मिस आरसीएम से 54123 जी। मिस आरसीएम का मतलब समझ गए, मिस का मतलब मिरासीडियम, एस का मतलब स्पोरोसिस्ट, आर का मतलब रेडिया, एस सी का मतलब सर्केरिया, एम का मतलब मेटासर्केरिया, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के रूप में, ड्रोसोफिला में एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के रूप में, गुड एग्जाम्पल के रूप में
कौन सर्व करता है, तो आप बताएंगे व्हाइट आई को हम लोग देखे थे। किसको देखे थे? व्हाइट आई। हम लोगों ने इसमें व्हाइट आई को देखा था और इसका करेक्ट आंसर होगा व्हाइट आई इज द राइट आंसर। जी व्हाइट आई इज द राइट आंसर और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 65, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल फ्रॉम टिम्पैनम ऑनवर्ड्स। टिम्पैनम ऑनवर्ड्स इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? टिम्पैनम से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? तो सभी लोगों को याद रखना है MIS, मिस, और जब मिस याद करेंगे तो आपको याद आएगा मैलियस, इंकस और स्टेपीज। मैलियस, इंकस और स्टेपीज इज द राइट आंसर। लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा मैलियस, इंकस और स्टेपीज। और कभी कभी इनका शेप पूछता है, जब शेप पूछेगा तो AHQ मिस, जो मैलियस होता है वो एंगुलर होता है, जो इंकस होता है वो आप बता सकते हैं हैमर शेप होता है, जो स्टेपीज होता है वो क्वाड्रेट होता है, क्वाड्रेट, ये याद रखना है AHQ। अब आप लोग सिर्फ इतना नहीं याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे MIS इक्वल टू AHQ। जी AHQ याद रखेंगे तो आपको यहां से इसका शेप मैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपसे शेप मैच कराएगा तो भी आप मैच कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में किसे यूज करते हैं? बॉम्बिक्स मोराई को, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, एपीज मेलिफेरा को, मस्का डोमेस्टिका को। सभी का आंसर आ रहा होगा कि सेरिकल्चर में बॉम्बिक्स मोराई को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? बॉम्बिक्स मोराई को यूज करते हैं। बॉम्बिक्स मोराई इज द राइट आंसर। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर ब्लड टाइप AB, जब दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है, जब दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप AB है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, बी होगा, AB होगा, कौन सा नहीं होगा? ओ नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए होगा, बी होगा, AB होगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, AB हो जाएगा। कौन सा नहीं होगा? ओ नहीं होगा। आप सभी लोग निकालना इसको जानते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड। करें कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फोल्ड्स का फॉर्मेशन करती है। दीज आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं? बच्चा बच्चा जानता है दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी। इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, उम्मीद करते हैं इस समय आप बिल्कुल डिक्टो चल रहे होंगे, मतलब 8 क्वेश्चन कराया हूं, 8x8 होंगे और ये वाला भी आप सही कर लेंगे। द फर्स्ट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क नाम सुनते ही आप सभी लोग खुश हो जाते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क। क्वेश्चन देखते ही आपने समझ लिया कि पहला नेशनल पार्क कौन सा होगा? कार्बेट नेशनल पार्क होगा। और उम्मीद करते हैं यहां तक आपने काफी अच्छा खेला है 9x9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चैपरल अकर्स इन वन ऑफ द एरियाज। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चैपरल में हमने पढ़ाया था आपको कि चैपरल अकर्स, चैपरल बनता है कहां पर? मेडिटेरेनियन पर। कहां पर? भूमध्य सागरी एरिया में बनता है, इसे बोलते हैं मेडिटेरेनियन एरिया में बनता है। कहां बनता है? मेडिटेरेनियन एरिया में बनता है। मतलब यहां तक की सिचुएशन ये रही कि आप सभी लोगों का जी क्यों, आप बताएंगे मेडिटेरियन एरिया से यहां आपको पता चला कि आपका रेशियो 10x10 रहा। अच्छा लगा कि जो 56 पर थे वो 66 को मेंटेन किए हैं और जो 57 पर थे वो 67 को मेंटेन किए हैं, जो 58 पे थे वो 68 को मेंटेन किए हैं। काफी अच्छा फील कर रहे होंगे आप लोग क्योंकि 10 में बहुत अच्छा आपने किया। आइए आगे चलते हैं, आगे के 10 देखते हैं। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाउस फ्लाई की पूरी वीडियो यूट्यूब पर है। द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट। दीज हेल्टर ये क्या करते हैं? डू नॉट बीट, बीट सेम रेट एज फोर विंग्स, बीट फास्टर देन फोर विंग्स। यहां पे करिएगा
फास्टर देन फोर विंग्स। हेल्टर्स जो होते हैं ये फोर विंग्स से फास्टर क्या करते हैं, ये बीट करते हैं। और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा, दिस इज द राइट आंसर जी। हेल्टर्स का नाम सुनते ही हाउस फ्लाई याद आना चाहिए, अदरवाइज खैरियत नहीं है। कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स। कार्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करता है, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड को, पॉन्स और मेडुला को, डाइनसेफलॉन एंड मिडब्रेन को, या टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। आंसर इज ये टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको कनेक्ट करता है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स दैट कॉजेस द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन द बेबी बिगिंस टू सकल द सकल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि हार्मोन्स दैट कॉजेस मिल्क इजेक्शन, नॉट मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क इजेक्शन करता है ऑक्सीटोसिन, जो बेबी बर्थ के बाद रिलीज होता है। जो बेबी बर्थ के बाद हार्मोन का क्या करता है, इजेक्शन करता है जी। प्रोडक्शन पूछता तो आप सभी लोगों का आंसर आया प्रोलैक्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। डाइपेप्टाइड, टू पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, महागलत। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, एस्टर लिंकेज होता है, सही है। लिनोलिक एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये पॉइंट याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लिनोलिक एसिड जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, ये याद रखना। और एस्टर लिंकेज जो होता है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में बनता है। गैलेक्टोज जो होता है ये मोनोसैकेराइड होता है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ये गलत है, डाइपेप्टाइड नहीं होता। और अच्छी बात ये है, खुशखबरी है कि आप 4x4 चल रहे हैं, आप 14x14 चल रहे हैं। 4x4 नहीं, 14x14 चलना अपने आप में एक गेम है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं। दे आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं यूरी थर्मल। क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं यूरी थर्मल। जो किसी भी टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, वी कॉल्ड दैट यूरी थर्मल। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूरी थर्मल कहते हैं जी। यूरी थर्मल इज द राइट आंसर। और हम अभी भी आशा में चल रहे हैं कि आप 15x15 चल रहे हैं। द फिनोमिनन इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा फिनोमिना है, ध्यान रखिएगा, द फिनोमिना इन विच सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट, इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। आपका यह भी सही हुआ, मतलब 6x6 प्लियोट्रॉफी इज द राइट आंसर। और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, प्लियोट्रॉफी इज द राइट आंसर। डन टू ऑल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर। इम्बोली अकर्स इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है। एम्बोली अकर्स इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, कब, गैस्ट्रुलेशन के समय ऐसा देखने को मिलता है एम्बोली वाली सिचुएशन। काफी अच्छा है, बेहतरीन है। और आप सभी को हमने एक होमवर्क दिया था, आप लोग होमवर्क पर काम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, फिर हम आपसे होमवर्क डिस्कस करते हैं। आप 8x8 पहले अपना क्लियर करें, फिर हम आपसे होमवर्क पर डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें दिया है क्लेरियास, जेनरिक नेम दिया है, कॉमन नेम दिया है। हमने 100 बार आपसे बताया है कि ऐसे सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठते हैं, तो एनसीईआरटी को एक बार आप अपने ग्रिप में लीजिए। इस क्वेश्चन को देख के लगता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा कर रख दिया है। क्लेरियास मांगुर को कहा जाता है, लेबियो ये कहा जाता है, रोहू को कहा जाता है, हेट्रोन्यूस्टिस ये सिंघी को कहा जाता है, नोटोप्टेरस ये चीतल को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लेरियास मांगुर को कहते हैं, हेट्रोप्नेरिस सिंघी को कहते हैं, और लोबियो रोहू को कहते हैं, नियोप्टेरस चीतल को कहते हैं। आंसर विल बी डी जी। हमने आपको एक होमवर्क दिया था,
और आप में से सभी लोगों से तो उम्मीद नहीं करता था ऐसे होमवर्क से, क्योंकि सभी लोग जो है उस होमवर्क को बेहतरीन तरीके से पास भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिंसियर से भी सिंसियर कैंडिडेट हैं, जिन्हें जॉब की सख्त जरूरत है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था पहले इसका आंसर बताइए, फिर बताते हैं क्या कहा था, फिर आपसे पूछते हैं भगवान का सन दिला करके, बताइएगा। कैरेक्टरिस्टिक डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होता है जी? तो सभी का आंसर आ रहा होगा 9:7। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या होता है? तो 9:7 सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, और मुझे पूरी आशा है कि सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा। देखिए, कुछ लोग समझ गए हैं कि होमवर्क पर किस पर बात होने वाली है, कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वो समझ गए कि किस पर बात हो सकती है जी। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:7 होता है। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है जी? तो क्वेश्चन देखते ही याद आ गया होगा कि प्लांट सेल में सर्जी प्लाज्मोडेस्माटा होता है, वाटर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस द्वारा जाता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल से सिंगर निकोलसन संबंधित है, ये पोटेशियम पंप जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। फिर मुझे अच्छा लगा कि आप यहां तक 20/20 मेंटेन किए, अच्छा लगा कि 20/20 मेंटेन किए हैं, कुछ लोगों से धोखे में 19/20 हो गया जी। काफी अच्छा आपने मेंटेनेंस दिखाया है जी, शोभा चौधरी जी, श्रद्धा जी जी। ऐसी बातें क्यों हुई, क्यों ऐसा हमने आपसे कहा? क्योंकि मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, उस सिलेबस को एक बार और अच्छे से पॉइंट्स में लाने के लिए हमने कहा है 500 टॉपिक्स आपको डिसाइड करना है, एक दिन में 5 टॉपिक। आप लोग में से कितने लोग हैं, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनके ये टॉपिक्स 15 पहुंच गए, 15 टॉपिक्स पहुंच गए, क्योंकि अभी 3 दिन हुआ है, 5-5 टॉपिक। वैसे ये इजी चैलेंज नहीं है, इट इज नॉट इजी चैलेंज, कोई इसे इजी चैलेंज नहीं कहेगा, ये इजी चैलेंज है ही नहीं है, दिस इज टफेस्ट चैलेंज। ये क्या है? टफेस्ट चैलेंज है। और अगर आप इस टफेस्ट चैलेंज को झेल गए, अगर आपने इस टफेस्ट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और अपना समय निकाला, 1.5 घंटा हर रोज निकालना पड़ेगा, अगर आपने 1.5 घंटे निकाल करके 5-5 टॉपिक को क्लियर करते गए, बहुत ज्यादा डेंजर नहीं करना है, अगर आप क्लियर करते गए तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। 7 टॉपिक्स हुए हैं अभी सर, ये कौन सी गिनती है? श्रद्धा जी हैं एक जो 7 टॉपिक्स, खुदा इनको और तरक्की दे और इनको जो है अच्छा करे और जो है और टॉपिक को करने की कोशिश करें। सुरभि जी 6 टॉपिक किया है सर, बहुत अच्छी। मीनाक्षी जी इकोलॉजी स्टार्ट किया है, स्टार्ट करिए लेकिन टॉपिक बताइए। सर तेज ही हुआ है, अच्छा कैसे 2 दिन हुआ, क्या फ्राइडे को बात हुई थी क्या इस टॉपिक पर जी? और कौन लोग हैं? सोनम जी कह रही है ओनली 2 टॉपिक हुआ है, अच्छी बात नहीं है। जेनेटिक्स स्टार्ट किया है, कुछ भी स्टार्ट करिए, मुझे टॉपिक चाहिए। 5 टॉपिक हो गया है क्योंकि हम अपने पापा के घर गए थे, गए हैं, घर जाएंगे तब करा पाएंगे। ओके ठीक है, पापा जी से बात करवाइए, बताते हैं वहां और पढ़ने का टाइम मिलेगा। छोटू छोटू टॉपिक सेलेक्ट किए हैं सर, हाँ हाँ भाई, छोटू छोटू टॉपिक ही सेलेक्ट करना है, बड़े टॉपिक नहीं सेलेक्ट करना है, छोटे टॉपिक ही सेलेक्ट करना है। कैसे? जब आप छोटे टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर ये चीज छोटे टॉपिक में एक मिलेगा कि आज हम सारे रेशियो को याद कर लेते हैं फिर से एक बार, छोटे टॉपिक में मिलेगा, एक एक टॉप एक एक मतलब लिस्ट उठाइएगा तो अच्छे से एक एक, जैसे मतलब नॉन कॉर्डेट उठा लिया तो एम्बोली मिला, यहाँ पर एम्फियोक्सस को उठाया, छोटे टॉपिक बनाया। अब आपका काम है छोटा टॉपिक बनाना जी, बड़ा बड़ा बहुत पढ़ लिया है, 500 टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। जहां तक हम सोच पा रहे हैं कि आप लोग काफी फ्रूटफुल फील करेंगे, आसान गेम नहीं है, इट इज नॉट इजी चैलेंज, इजी चैलेंज नहीं है ये, काफी ज्यादा जो है बड़ा चैलेंज है।
उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर डन टू ऑल। शोभा चौधरी जी, जी हम जो है हाउसवाइफ लोग से ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना हुआ करिए। हाउसवाइफ लोग जितने हैं, जितनी हाउसवाइफ्स हैं जी, और जितने लोग जितनी हाउसवाइफ्स हैं, ये बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। इनका काम है क्या, ये अपनी क्लास को कंप्लीट करें, क्लास को कंप्लीट करें और उस क्लास का रिविजन करें। हम आपसे सैटरडे की क्लास में 100% चाहते हैं, सैटरडे की क्लास में आप अपना 100% दीजिए। जैसे सैटरडे की क्लास में हम 60 क्वेश्चन लाते हैं ना, तो आप 60 में से 60 सही कर दीजिए, सच में आप बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखें कि आप अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, फैमिली को, बच्चों को, पति जी को, सास ससुर को, सबको मैनेज कर रही हैं, मैनेज करते हुए आप केवल इतना ध्यान दें, ये 60 वाला क्वेश्चन और जो जितने भी हम MCQs कराते हैं, आप इस क्लास में हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो ये समझिए कि आप अपनी फैमिली को पहले प्रिफर करें, उसके बाद जो समय मिलता है सब कुछ इसमें लगाएं, उसके बाद आप अपनी श्योर टेस्ट सीरीज पर पूरी ताकत झोंक दें, श्योर टेस्ट सीरीज पर पूरी ताकत झोंक दें। वादा है कि सिलेक्शन में कोई लेट नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक, इसलिए जितनी हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान ना हुआ करें, ये सब करते रहें जी। ठीक, लोकेश शर्मा जी, आरती राजपूत जी, आफरीन जी, डॉक्टर SC यादव जी, 3 टॉपिक हो चुका है जी। अवनीश गुड लाइफ जी, क्लियर, वो भी संभाल सकते हैं, उनको भी छूट है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे के प्रश्नों को। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, तो आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं सर जी, तो वहां पर ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलता है। वहां पर कौन देखने को मिलता है, ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं आर्थ्रोपोडा में हमने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में काफी कुछ डिटेल में पढ़ाया है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को याद भी होगा। रिविजन पर रिविजन करते रहा करें, रिविजन आपको परफेक्ट बनाता चला जाएगा। जंपिंग जीन अकर्स इन मैकक्लिंटॉक, लेडी मेंडल, मक्का, याद आया? जंपिंग जीन अकर्स इन बैक्टीरिया ओनली, बैक्टीरियोफाज ओनली, यूकैरियोटिक ओनली, याद रखिएगा, इट अकर्स इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट। ये दोनों में देखा जाता है जंपिंग जीन, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी, ये दोनों में देखा जाता है जी। करेक्ट आंसर ये आपका यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। देखिए आपके पास जी, आपके पास आया है, इसको मैच द फॉलोइंग को संभालना है, मैच द फॉलोइंग को संभालना है। हमने आपसे बताया है आपको मिस याद रखना है और उसके बाद AHQ याद रखना है जी। AHQ में जो स्टेपीज है वो कैसी होती है, क्वाड्रेट होती है, स्टेपीज जो होती है वो क्वाड्रेट होती है जी। स्टेपीज क्या होती है, क्वाड्रेट होती है, और जो एंगुलर होता है वो कौन होता है, आप बताएंगे, जो एंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा, एंगुलर जो होता है टिम्पैनिक, आर्टिकुलर जी, ध्यान रखिएगा, एंगुलर में आता है टिम्पैनिक, ये AQH है, थोड़ा सा यहां देखिए, मिस और AQH, ये है AQH है, HQ नहीं। तो यहां पर एंगुलर में आप याद रखिएगा टिम्पैनिक है, आर्टिकुलर होता है आपका मैलियस, हायोमैंडिबुलर होता है स्टेपीज, और क्वाड्रेट होता है आपका इंकस। थोड़ा सा इसको चेंज करिएगा, AQH है, MIS को मैच करिएगा AQH से। हायोमैंडिबुलर स्टेपीज है, आर्टिकुलर आपका मैलियस है और क्वाड्रेट आपका इंकस है।
इस तरह से आपका आंसर आएगा ये एंगुलर टिम्पैनिक होता है जी, उसको थोड़ा सा ए क्यू एच जो था उसको ए एच क्यू करिएगा जी, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों के क्लियर, याद रखिएगा। 84 फाइंड आउट द राइट मैचिंग, इसमें से राइट मैचिंग बताना है, फाइंड आउट द राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। अकोमोडेशन का काम कौन करता है, प्यूपिल्स। कलर परसेप्शन का काम कौन करता है, कॉन्स। नाइट ब्लाइंडनेस कौन बताता है, रॉड। बाइनोकुलर विजन कौन दिखाता है, आयरिस। फाइंड आउट द राइट मैचिंग, इसमें आपको राइट मैचिंग बताना है कि इसमें राइट मैचिंग किसकी है। एकोमोडेशन प्यूपिल, कलर परसेप्शन आप बताएंगे सर जी कलर परसेप्शन के लिए कॉन्स होता है, ये कलर परसेप्शन कराता है। एकोमोडेशन कौन कराता है, प्यूपिल नहीं कराता, लेंस कराता है। नाइट ब्लाइंडनेस रॉड तो आप बताएंगे कि आपको अंधेरे में देखने में काम करता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बाइनोकुलर विजन आयरिस, ये तीनों गलत है, इसका सही है कलर परसेप्शन कौन कराता है। कलर परसेप्शन के लिए कौन जाना जाता है, कॉन्स जाना जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 थ्रो एमनियोसेंटेसिस फीटल सेल्स कैन बी कल्चर्ड एंड टेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिजीज ऑफ फीटस बाई, कह रहे हैं कि थ्रो एमनियोसेंटेसिस फीटल सेल्स कैन बी कल्चर्ड एंड टेस्टेड फॉर डिटेक्टिंग वेरियस डिजीज ऑफ फीटस। फीटस में कौन कौन सी चीजें देख लेता है, कैरियोटाइप देख लेता है, डीएनए की एनालिसिस भी कर लेता है, एंजाइम प्रोडक्शन भी बता देता है, ये ऑल ऑफ दिस करता है। क्या करता है, ये ऑल ऑफ दिस करता है, एमनियोसेंटेसिस से सब कुछ पता चल जाता है, ऑल ऑफ दिस। एमनियोसेंटेसिस से ऑल ऑफ दिस सभी के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 के बाद 86 ऑक्सियंटिक सेल्स सिक्रीट, ऑक्सियंटिक सेल्स सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस इन इलियम, बाइल जूस इन ड्यूओडेनम, एचसीएल इन स्टमक, इंसुलिन इन ड्यूओडेनम। सभी का आंसर आ रहा होगा एचसीएल इन स्टमक जी। मुझे लगता है कि ये जो सिक्स है इस सिक्स में आप सभी का फोर सही है, एक दो में कंफ्यूजन हो गया है, कुछ लोगों का फाइव सही है, केवल एक में कंफ्यूजन है। चलिए अच्छी बात है, अभी तक आप लोग जो है वन टू मिस्टेक में ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स इन मैमल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, इसमें से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें होती है। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया का क्वेश्चन आपको कई बार याद हो गया है कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया हिपैटिक वेन में होती है, और लगभग सभी का आंसर आ रहा है हिपैटिक वेन इज द राइट आंसर जी। 87 का ए, लगभग सभी का आंसर है हिपैटिक वेन इज द राइट आंसर जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर। एम्बडेन मेयर हाफ पाथवे रिप्रेजेंट, एम्बडेन मेयर हाफ पाथवे रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, आप बताएंगे ग्लाइकोलाइसिस को, और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में इसमें से कौन बता रहा है तो आप देखेंगे ऑप्शन और बताएंगे। स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इंटू पायरविक एसिड, या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ एस्टाल्डिहाइड टू एथिल अल्कोहल, बीटा ऑक्सीडेशन, सबका आंसर आ रहा होगा स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज इंटू पायरविक एसिड, सभी लोगों का करेक्ट आंसर होगा उम्मीद करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन मिडिल ईयर ऑफ मैन इज, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है बोन का, अगर आपसे पूछा जाए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन का क्या होता है जो कान में पाई जाती है, तो आप बताएंगे मैलियस, इंकस और स्टेपीज इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा MIS, क्या करेक्ट होता है MIS, मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज इज द राइट आंसर, और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा MIS, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें, और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें। वेजाइना, ओवरी, टेस्टिस, पेनिस, सभी को याद है पेनिस में कार्पस स्पॉन्जियोसम पाया जाता है,
टेस्टिस से टेस्टिस में लिडिक सेल होती है। वेजाइना रिसेप्शन का काम करता है। ओवरी से कार्पस ल्यूटियम संबंधित है। ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3 आंसर विल बी ए। और लगभग सभी का करेक्ट आंसर आ रहा होगा। आंसर इज ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 से पहले अब आपका रेशियो क्या रहा? इस 30 क्वेश्चन में मुझे भरोसा है कि ज्यादातर लोगों का 28 रहा है और कुछ लोग हैं जिनका 29 भी रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपका टोटल रेशियो देखा जाए तो कहां तक पहुंच रहे हैं? टेल मी फास्ट जी, बताने की कोशिश करिएगा। 28, 30, प्रकाश मिश्रा जी, डॉक्टर एस सी यादव जी, 28 लगभग सही रेशियो। कुमकुम दुबे जी 29, मीनाक्षी सिंह जी 27, आपने तो हैंडल किया। मतलब जो है आपने फर्स्ट स्टेप में 25, सेकंड स्टेप में 26, थर्ड स्टेप में 27, आपकी बारी। अगर आपने आपकी बारी 30/30 मारा तो समझ जाइएगा कि आपका रेशियो 7/6, 13/5, 18, 108 पहुंचने वाला है जी। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। और जो लोग 112 को चेस कर रहे हैं वो लोग 112 को अटेम्प्ट कर रहे हैं। नो डाउट आज कम से कम 50 लोग होंगे जो 112 को हैंडल करेंगे। पहले 10/10 चलिए। होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन। होमो इरेक्टस वो क्रोमैग्नन मैन से डिफर करते हैं, बताने की कोशिश करिएगा। क्रोमैग्नन मैन जी, बताने की कोशिश करिएगा। 85/90 विनय मैनी जी, डन। 91 में चलिएगा और बताइएगा कि जो होमो इरेक्टस हैं डिफर फ्रॉम, होमो इरेक्टस डिफर करते हैं क्रोमैग्नन मैन से। हैविंग प्रोट्रूडेड जॉ, हैविंग रिसीडिंग जॉस, बीइंग एबल टू ड्रा पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। तो आप बताएंगे सर इनमें प्रोट्रूडेड जॉ होते हैं, इनके जबड़े बाहर निकले होते हैं। होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रोमैग्नन, इनके जबड़े आगे निकले होते हैं, यही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इनके जबड़ों में, जॉज में डिफरेंस होता है, इनके जॉज में डिफरेंस होता है। 1/1 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन। इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडेड है पैलियार्कटिक रीजन में, ओरिएंटल रीजन में, नियोट्रॉपिकल रीजन में या नियार्कटिक में। तो सबका आंसर आ रहा है सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओरिएंटल रीजन में इंक्लूडेड होता है। किसमें? ओरिएंटल में इंक्लूडेड होता है। लगभग सभी का आंसर आ रहा होगा बी इज द राइट आंसर। ओरिएंटल में मतलब 2/2 पर चल सकते हैं, नो डाउट। संजय कुमार जी, सौरभ कुमार यादव जी, जितेंद्र कुमार जी, शुभम जी, देन ओरिएंटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। जब आपने प्रोटीन पढ़ना शुरू किया था तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसमें पढ़ा था? तो आप सभी लोगों का आंसर आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था। अल्फा हेलिक्स किसमें पढ़ा था? तो आप सभी लोगों का जवाब आएगा सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था। 3/3 चल रहे होंगे। विच सिक्रीट्स कैल्सिटोनिन, इसमें से कौन है जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है? विच सिक्रीट्स कैल्सिटोनिन, कौन सा हार्मोन है जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है? और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का आंसर आएगा थायराइड की सी सेल होती है सर जो कैल्सिटोनिन सिक्रीट करती है। कैल्सिटोनिन थायराइड के द्वारा सिक्रीट होता है, मतलब 4/4। व्हेन टू जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर दो जीन बहुत ही क्लोज लोकेटेड होते हैं इन अ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम में, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, हार्डली एनी क्रॉस ओवर कैन बी डिटेक्टेड, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग इज वेरी हाई,
ओनली डबल क्रॉस अकर्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आप बताएंगे हार्डली एनी क्रॉस ओवर, मतलब जब बहुत पास होते हैं तो हार्डली कोई क्रॉस देखने को मिलता है, लगभग सभी करेक्ट आंसर है कि हार्डली कोई क्रॉस देखने को मिलता है, मतलब बी इज द राइट आंसर, जी सभी लोगों का लगभग करेक्ट है बी, और सबसे अच्छी बात है कि आपने अपने रेशियो मेंटेन किए हैं 5/5। पिजन मिल्क, देखते ही आधे लोगों को लग गया कि अब 6/6 ही रहेगा। पिजन मिल्क इज सिक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड ऑफ पिजन, यूरोपाइजियल ग्लैंड ऑफ पिजन, क्रॉप ग्लैंड ऑफ फीमेल पिजन, क्रॉप ग्लैंड ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल पिजन इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? इन दोनों से सिक्रीट होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों को देखने का मन कर रहा होगा कि हम लोग 7/7 रुकेंगे या नहीं, जी रुक सकते हैं, नो डाउट। देखिएगा, मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स ऑफ, मूंगा सिल्क जो है ये किसके कुकून से प्राप्त होता है? मूंगा सिल्क आपसे पूछा जाए, मूंगा सिल्क किसके कुकून से प्राप्त होता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा एंथेरिया, एंथेरिया असामा, जी एंथेरिया असामा से प्राप्त होता है। अब जितने लोगों का डी आंसर लगा होगा उन लोगों का करेक्ट होगा, क्योंकि सोनम राजपूत जी ने ए लगा दिया है जी, इसका सही आंसर है डी, बॉम्बिक्स मोराई से मूंगा सिल्क नहीं निकलता, सिल्क निकलता है, मूंगा निकलता है एंथेरिया से, एंथेरिया से निकलता है, इसलिए यह भी गलत हो गया, एंथेरिया पैफिया है, असामा है, तो एंथेरिया असामा से निकलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, मन कर रहा होगा 98 में क्या होगा सर जी, क्योंकि 8/8 मेंटेन करना है। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, इसमें से कौन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? टू चैम्बर्ड हार्ट एवीज में पाया जाता है, मिल गया आंसर जी, यही मैच नहीं है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट मेढक में, थ्री चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स में, फोर चैम्बर्ड हार्ट मैमेलिया में, टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एफ आई फिश में, हिंदी में लिखिएगा फिश, दो शब्द है इसलिए इसको याद रखिएगा, फिश में, फिश में कितना होता है? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है जी। उम्मीद करते हैं 8/8 का मामला चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेनली ड्यू टू, करें कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यूरिया के कारण, या फिर प्रोटीन्स के कारण? तो सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा वेरियस प्रोटीन के कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, और ऑस्मोलरिटी कौन निर्धारित करता है? तो आप बताएंगे ये लूप ऑफ हेनले, वेरियस प्रोटीन इज द राइट आंसर, और लगभग आप में से सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो रहा होगा, और 99/99 में आप 9/9 चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, इसमें से कौन सी घटना है जो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस में नहीं होती, कौन सी घटना है जो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस में देखने को नहीं मिलती? सभी का आंसर आ रहा होगा 10/10 का मामला है सर जी, सेग्रीगेशन नहीं मिलता, 10/10, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने 100/100 में काफी अच्छा स्कोर किए होंगे। कितने लोग हैं जो 100/96 हैं, कितने लोग हैं जो 100/95 हैं, कितने लोग हैं जो 100/94 हैं, कितने लोग हैं जो 100/93 हैं, कितने लोग हैं, और कुछ लोग हैं 100/92 वालों को भी रख रहे हैं, क्योंकि ये अभी 112 पहुंचा सकते हैं जी। आप अपने रेशियो देखिए, वेयर यू स्टैंड, आप कहां लोग, कहां आप लोग स्टैंड कर रहे हैं जी, 95 वाले दिख रहे हैं, 98 94, श्रद्धा मिश्रा, सुमित्रा मुर्मू जी 95, सौरभ चौधरी जी 97, विनय मैनी जी 95, सुरभि जी 95, संजीव गोस्वामी जी 94 97, चेतराम जी कैसे हैं, राजीव कुमार जी 94, सौरभ मौर्या जी 95, रोली जी 95 जी, सुमित्रा मुर्मू जी अच्छा है 95, और उषा गुप्ता जी, शोभा चौधरी जी 97 जी,
ब्रिजेंद्र कुमार जी 92, नेहा शर्मा जी जी बहुत अच्छे, सेग्रीगेशन मेंडल के थर्ड सेकेंड लॉ में पढ़ा था, ओके। प्रभा जी 90, कोई बात नहीं है, आगे के टाइम बढ़ाना है जी। एस सी यादव जी 96, संगीता सिंह जी बहुत अच्छे 94, राजेंद्र जी, उपासना चौहान जी कहाँ हैं आप, चेतराम जी, शुभम जी अच्छा है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 20 पर, और नेक्स्ट का 20 मामला आप जानते हैं कितना अच्छा होता है जी। ऐसे आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और जो है कहीं से आपसे हर 20 क्वेश्चन के बाद आपका रेशियो पूछा जाता रहे और जो क्वेश्चन ना आता रहे बताया जाता रहे तो कितना मजा आए, मतलब आप लोग तो फिर ना पूछिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आपकी संस्था में एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं एनसीईआरटी बैच से जुड़ने के लिए 8756703588 पर ज्वाइन एनसीईआरटी बायो लिखकर भेजें और अपने एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 101 काफी अच्छा है, आंसर बताइए, देखते हैं आप में से कितने लोगों का बेस्ट आंसर आता है। टेल मी, जी बी आंसर दिखाई दे रहा है आप लोगों का, आप लोगों का बी आंसर दिखाई दे रहा है जी। देख लेते हैं, टॉल्यूडीन ब्लू, अच्छा डाई दिया हुआ है, सैफ्रिन सैफ्रानिन, कॉटन ब्लू, ऑसिमम टेराऑक्साइड, डाई डाई दिए हैं कि किससे कौन सी डाई की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं टॉल्यूडीन ब्लू जो होता है ये खास करके आरएनए के लिए यूज किया जाता है, ए का थ्री जी, आप सभी लोग जानते हैं ए का थ्री। और सैफ्रानिन आप लोग जानते हैं जो प्लांट की आप माउंटिंग, प्लांट की माउंटिंग करते थे उसमें आप यूज करते थे सैफ्रानिन, उसमें लिग्निन देखा जाता था जी। और कॉटन ब्लू आप यूज करते हैं हमेशा फंगल हाइफा के लिए, कॉटन ब्लू। ऑसिमम टेट्रोक्साइड यूज करते हैं फैट के लिए, ऑसिमम फैट के लिए। इस हिसाब से आप सभी का बी आंसर था, मतलब 1:1 का रेशियो है। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। उम्मीद करता हूं 2:2 मेंटेन रहेगा जी, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है बताने की कोशिश करिएगा, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी का करेक्ट आंसर आएगा, विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस, इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर चल रहा है, डी इज द राइट आंसर, और आपका मेंटेनेंस स्कोर 2:2 है। 3 पर चलते हैं, ये तो क्वेश्चन ही देख करके, सवाल तो आप लोगों ने पढ़ के खत्म कर लिया और क्वेश्चन देख करके ही आप खुश हो गए होंगे कि एलुवियल सॉयल आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। हम आपको पहले से ही मार्किंग कर दिए हैं 3:3 जी, किस रीजन, जैसे ही पूछता है किस रीजन तो आप सभी लोग फट से बताते हैं सर जी गैंगेटिक जमुना प्लेन्स, दिस इज द राइट आंसर। अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एसिड रेन, इसमें भी आपको 4:4 की मार्किंग है जी, पहले से हमें भरोसा है आप पे कि आप इसे 4:4 करेंगे जी। बताइएगा एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड एंड एस्टिक एसिड जी। लगभग सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, ए इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी लोगों ने अपना मेंटेन किया है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सभी लोगों ने अपना ये आंसर नहीं बताया क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्टमक में होता है और एस्टिक एसिड तो सिरके में होता है, इसलिए 4:4। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन देख ले, द टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज,
इसे क्या कहते हैं? मुझे लगता है 5x5 में है आपके। इसे क्या कहते हैं? जीन स्प्लाइसिंग, जीन ड्रेसिंग, जीन क्लोनिंग या जीन ड्राफ्टिंग, इसे किस नाम से जानते हैं? आप सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा सर जी, इसे जी कविता सोनकर जी, बहुत अच्छी, विजय चौधरी जी, वेरी गुड, सुमित्रा मुर्मू जी, रियली गुड जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्निक ऑफ इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे जीन क्लोनिंग कहते हैं जी। हम एक डीएनए लेते हैं, उस डीएनए से डिजायर जीन कट करते हैं और इसको वेक्टर में डालते हैं, दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। यही तो है जीन क्लोनिंग। कुछ लोग जीन स्प्लाइसिंग कहां से बता रहे हैं? जीन क्लोनिंग इज द राइट आंसर, इसका सी सही है जी। और अब यहीं से कुछ लोग 5x5 से 5x4 हो गए, कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? उम्मीद करते हैं 6x6 को मान लेते हैं। फ्रॉग में टीलोलेसिथल चलेगा, इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल चलेगा, बर्ड में पॉलीलेसिथल और मैमल में माइक्रोलेसिथल, ये गलत है। मैमल में अलेसिथल कंडीशन होती है और जो जानते हैं वो फट से टिक किए होंगे कि मैमल में अलेसिथल होता है। सबसे ज्यादा गलत कौन सा है? सी। सबसे ज्यादा गलत कौन सा है? सी जी। यहां ऑप्शन में देखना है, बर्ड में टीलोलिस्थल होता है, सॉरी फ्रॉग में टीलोलिस्थल होता है, सही है, लेकिन मैमल में क्या होता है? माइक्रोलेसिथल नहीं होता, अलेसिथल जी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 जी। यहां पे गड़बड़ होने का चांस है क्योंकि आप लोग को याद नहीं रहता है जी। एक साइकिल आती थी A1, A1 बोले तो 11। अब जिसको जिसको 11 याद होगा फट से टिक कर लेगा। A में 11 होते हैं और Z में, याद रखना, Z में A में 11 होते हैं और Z में कितने होते हैं? सबसे ज्यादा जी। Z में सबसे ज्यादा कितने? 12। क्लास में सबसे ज्यादा क्या होता है? 12th। तो A में 11, Z में 12th जी। तो इसका मतलब A का क्या हो जाएगा? A का हो जाएगा 3, Z का हो जाएगा 4, मतलब D का 4, A का 3, D का 4। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का करेक्ट। B का कभी पूछे B का कितना होता है तो आप लोग हमेशा B का बताएंगे, B का 10, A का 11, B का 10, C का 9.3। A का 11, B का 10, C का 9.33, मतलब A, B, C में आप घटते क्रम में आएंगे। A, B, C में आप घटते क्रम में आएंगे, 11 से 10, 10 से 9.33 जी। और Z में याद रखेंगे 12। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप सभी को गूंजेगा कि सर ने कहा था A, B, C का पूछेगा तो कम कर देना, 11, 10, 9। उम्मीद करते हैं इतना करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट, विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में किसे यूज किया गया था? आई होप सो 8x8 चलेगा। विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में किसको यूज किया गया था? बैक्टीरिया इशर्शिया कोलाई को यूज किया गया था। बैक्टीरिया इशर्शिया कोलाई को यूज किया गया था। सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा, ई कोलाई को यूज किया गया था। 108 नंबर में सी करेक्ट आंसर है। विटामिन ए इज अ प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ, विटामिन ए किसका प्रिकर्सर होता है? सिंथेसिस ऑफ, विटामिन ए इज द प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ, सभी का आंसर आएगा रेटिनिन इज द राइट आंसर जी। सोमैटोस्टैटिन तो होगा नहीं, स्कोटोटॉप्सिन तो होगा नहीं,
इसका सही आंसर है रेटिनिन। और काफी अच्छा रहा कि आप सभी लोग अपनी स्टैंडिंग मेंटेन किए रहे 9/9, काफी अच्छा। लैक्राइमल बोन इज सिचुएटेड इन, जी बताना है ये लैक्राइमल बोन कहां सिचुएटेड होती है। इन फ्रंट ऑफ द आई ऑर्बिट, क्लोज टू द फ्रंटल बोन, बिहाइंड द आई ऑर्बिट, क्लोज टू द पोस्ट ऑर्बिटल बोन, एबव द आई ऑर्बिट, क्लोज टू द सुप्रा ऑर्बिटल, या बिलो द ऑर्बिट। लगभग सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि यह कहां पर स्टैंड होती है। तो याद रखना लैक्राइमल बोन है, यह लैक्राइमल बोन इज सिचुएटेड कहां सिचुएटेड होती है, एबव द आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट के ऊपर, ये आई ऑर्बिट है, आई ऑर्बिट के ऊपर, क्लोज टू सुप्रा ऑर्बिटल, इसी के जस्ट ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल होता है, सुप्रा ऑर्बिटल ये होता है आपका आई ऑर्बिट, ईओ और एसओ के बीच में प्रेजेंट होता है लैक्राइमल ग्लैंड। सी बना लीजिएगा साइड में ये डायग्राम और याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व इज टोटली मोटर, कौन सा सेट है जो टोटली मोटर है, जी कौन सा है जो टोटली मोटर है। जब कभी टोटली मोटर आए तो ओट याद रखिएगा, ओट मतलब होता है विशाल काय ट्री, ओ मतलब ऑक्लूमेटर, ए मतलब ऑब्डिसेंस, टी मतलब ट्रोक्लियर, ऐसे याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ओट जो होता है ये मोटर होता है, जी ओट जो होता है ये मोटर होता है, और आपको याद रहेगा तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ओट क्या होता है, ओट मोटर होता है, क्या होता है, मोटर होता है। और नाम कैसे याद रखेंगे, ऑक्लीमोटर, ऑब्डुसेंस एंड ट्रोक्लियर, अगर ये तीन याद रहेगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कार्डियक साइकिल किससे स्टार्ट होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से या ऑरिकुलर सिस्टोल से, आपका आंसर आएगा ये ऑरिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट होता है, किससे, ऑरिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल इज द राइट आंसर, और आप सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा होगा ऑरिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आउट अदर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। जब भैया मसल्स कॉन्ट्रेक्शन की कभी बात होगी, आपकी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन कब करती है, फ्रॉम आंसर कोड गिवन बिलो, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन शुरू कैसे होता है, तो आप बताइएगा, सर जी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सबसे पहले होता है कि कैल्शियम आयन रिलीज होता है, और कैल्शियम आयन रिलीज होता है तो जाकर के ब्रिज बनाता है, इसे कैल्शियम आयन लिंक ब्रिज के नाम से जानते हैं, और ये जो ब्रिज होता है ये क्या करता है, ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, ये एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करता है, उसके बाद क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ मायोसिन हेड, मायोसिन हेड की शॉर्टनिंग होती है, तो पहला स्टेप रिलीज ऑफ कैल्शियम, दूसरा ब्रिज फॉर्मेशन, तीसरा एटीपी की हाइड्रोलाइसिस, चौथा मायोसिन का शॉर्टनिंग। पिन पॉइंट सीजन 2 की क्लास में हमने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ए सी डी कहां है, बी ए सी डी इज द राइट आंसर, जी बी ए सी डी इज द राइट आंसर, और लगभग सभी का आंसर बी ए सी डी, डी इज द राइट आंसर, और क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको याद कर लेना है कि ऐसे होता है। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर अकर्स ड्यू टू, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, जी आपने जब थायरॉक्सिन हार्मोन पढ़ा था तो आपने एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर पढ़ा था, जो कैसे होता था, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4, जो T4 के हाइपर सिक्रीशन से होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4 ग्लैंड के हाइपर सिक्रीशन से होता है, क्या होता है, आप बताएंगे कि ये होता है एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, अच्छा क्वेश्चन है, आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाते हैं, इंसुलिन सिक्रीशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय, तो इंसुलिन का सिक्रीशन कौन स्टिमुलेट करता है, याद रखिएगा
कोलसिस्टोकाइनिन। कौन स्टिमुलेट करता है? कोलसिस्टोकाइनिन। जी कोलसिस्टोकाइनिन इसको स्टिमुलेट करता है। कोलसिस्टोकाइनिन CCK कौन स्टिमुलेट करता है? इसको कोलसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग आर। फ्रॉग का एग होता है जी, फ्रॉग का एग होता है। तो अभी आपने क्या सीखा था? फ्रॉग का एग होता है टीलोलेसिथल। ऑप्शन में कहा है? मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। एग्स ऑफ फ्रॉग इज मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल इज द राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। मीजोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग, काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग इस क्वेश्चन से परिचित हैं। नॉन कॉर्डेटा रेडी, मतलब ये क्वेश्चन रेडी। गैस्ट्रोपोडा में कौन आता है? पॉलीकीटा में कौन आता है? इंसेक्टा में कौन आता है? होलोथुराइडिया में कौन आता है? कभी आपसे पूछे होलोथुराइडिया में कौन आता है तो कुकुमेरिया आता है। इंसेक्टा में कौन आता है? लैपिस्मा आता है। पॉलीकीटा में कौन आता है? नेरिस आता है। गैस्ट्रोपोडा में कौन आता है? पाइला आता है। ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी के 2। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर चल रहा होगा। बी इज द राइट आंसर। लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर चल रहा होगा। बी इज द राइट आंसर। जी क्लियर, उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स? नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देन कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। क्या बताएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। इसे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। वर्कर्स ऑफ हनीबी, हनीबी आपने कल ही पढ़ा था कि वर्कर्स ऑफ हनीबी सोसाइटी आर। हमने बताया था कि अगर हम लोग हनीबी की फैमिली के बारे में बात करते हैं तो हनीबी की फैमिली में हमें दो लोग दिखते हैं, फीमेल लोग और मेल लोग। फीमेल में हमने बात किया था, इसमें दो लोग दिखते हैं, इसमें एक क्वीन दिखती है, एक वर्कर दिखती है। और जो वर्कर होती है वो अंडे नहीं दे सकती, इसलिए ये क्या होती है? स्टेराइल होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल विदाउट गोनेट, स्टेराइल फीमेल होती है। क्या होती है वर्कर? स्टेराइल फीमेल, नॉट स्टेराइल मेल। ये स्टेराइल फीमेल होती है। और लगभग सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, वर्कर जो होती है फीमेल होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 120 नंबर क्वेश्चन। इन अरिथमेटिक एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज में द मीनिंग ऑफ दिस इज, इसकी मीनिंग क्या है? अरिथमेटिक एवरेज जब आप पढ़ते हैं, जब आप बायोस्टैट्स पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे सैंपल मीन कहते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं, इंडिविजुअल मेजर्स कहते हैं। आप कहेंगे सर जी इसे समेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड समेशन। इसे हम लोग समेशन के नाम से जानते हैं। और लगभग सभी लोगों का आंसर आ रहा है, इसे हम लोग समेशन के नाम से जानते हैं। जी सी को समेशन के नाम से जानते हैं। अब बताने की कोशिश करिएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 120 प्रश्नों की श्रृंखला में आपकी स्टैंडिंग पार्टी कहाँ पहुंची है। और ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने आज TGT PGT LT बायोलॉजी में एडमिशन लिया है, सभी लोग मंडे को, आज संडे है, कल मंडे 10 बजे हम लोग एल्गा के टॉपिक को पढ़ेंगे। आप सभी लोग एल्गा की जो क्लासेस हैं उनको कवर करने की कोशिश करिएगा। बताने की कोशिश करिएगा कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जी कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? शुभम, रिंकू जी 111 जी, तेरा विनय मैनी जी, शोभा जी 117, सुरभि जी 111, कुमकुम दुबे जी ओके, आराधना जी, अनुराधा जी क्लियर, 115 बहुत अच्छे जी, कोमल जी बहुत अच्छे, सुरभि जी, श्रद्धा मिश्रा जी 109 ठीक है, अच्छा है, नेहा शर्मा जी 116 गुड, रोली जी 112 बहुत अच्छे, दिव्या जी 117 वेरी गुड जी,
अच्छा रहा, गुड, लगभग सभी लोगों का 112, सुमित्रा मुर्मू जी 115। अरे थैंक यू सब लोग क्यों बोल रहे हो, जिसको जो थैंक यू बोलना हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करो, वो आपका थैंक यू है। हम आपके लिए जो कर रहे हैं ये सच में ये आपके मोटिवेशन के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। बिना किसी लापरवाही के बस केवल एक चीज फॉलो करिएगा, जिन लोगों ने 500 टॉपिक को शुरू नहीं किया है सभी लोग ईमानदारी से शुरू करिएगा। एक बार थैंक मतलब जो है थंब अप करके बताने की कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग 500 टॉपिक पर काम करना शुरू कर रहे हैं ना। हम उम्मीद लगा सकते हैं ना कि आने वाले संडे को जब हम आपसे पूछें तो आपके पास लगभग 40 टॉपिक हो जाएंगे। एक बार सभी लोग थंब अप करके बताने की कोशिश करिएगा जो लोग इस पर काम करेंगे जी। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को इस पर काम करना चाहिए, ये एक नया तरीका है जी, ये एक नया तरीका है आप सभी के एग्जाम में सिलेक्शन लेने का और अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को नए तरीके से काम करने का। तो सभी लोग 500 टॉपिक पर काम करना शुरू करिए। आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में 10 बजे एल्गा की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।